हेलो। साउंड आ रहा है? हेलो। साउंड आ रहा है? हाँ जी आ रहा। पाँच मिनट और देख लेते हैं, और कोई आएगा तो। 33 तो हो गया है।
ओपन टू ज्वाइन दिख नहीं रहा है। ओपन टू ऑल का तो नहीं मिल रहा है। ओपन टू ज्वाइन ये ओपन टू ज्वाइन ऑप्शन के बारे में। अरे यार एक मिनट। हेलो हेलो हेलो। आप बोल रहा हूँ, ये ओपन टू ज्वाइन बटन के बारे में किसी को पता है कहाँ पर होता है? क्योंकि बार बार एडमिट करना पड़ रहा है मेरे को। किसी को पता है तो बोलो, फिर मैं उसको ओपन कर देता हूँ, जिसको भी ज्वाइन करना है करेगा। किसी को पता है? सेटिंग में आता सेटिंग में, सेटिंग में गया, उसके बाद बोलो कहाँ पर जाना है। सेटिंग में जाके ऑडियो वीडियो जनरल है, कैप्शन रिएक्शन। है। एनीवन ऑप्शन है ना वहाँ पर, एक मिनट एक मिनट। एवरीवन एनीवन एवरीवन एक मिनट, सर को भेज दो। एक मिनट रुको, सर मांग रहा है, सर को ही भेज देता हूँ। एक मिनट। अच्छा, लॉक पे क्लिक करो और नीचे में होगा ऑप्शन। अच्छा
होस्ट मोस्ट, अच्छा ओपन कर देता हूँ। हाँ चलिए सबके लिए ओपन कर दिया, ओपन कर दिया है। देखिए यही ना, एक मिनट सर को भेजता हूँ। तो सब आ गए हैं? यस सर। हाँ दादा, हाँ नहीं, सर सर मत बोलिए, सर तो आर्ज भाई है, हम तो इधर जितना भी नॉलेज है अपना उतना देने आए हैं। ठीक है, बार बार करेंसी के अरे बारे सर में। जी, नॉलेज दे रहे तभी तो सर बोल रहे ना, नहीं 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 नॉलेज नहीं सर नहीं 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 ही देते ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर मत बोलिए। ठीक है, मैं तो हाँ दादा। दादा हर कोई सिखाने वाला सर ही होता है, चाहे वो जूनियर हो या नहीं नहीं सीनियर। हम अपना एक्सपीरियंस देने आए हैं बस। ठीक है, तो आज बहुत सारा क्वेरी आ रहा था, ठीक है, कि करेंसी नहीं नहीं अच्छी बात को है, बिकॉज करेंसी। आपका करेंसी में ऑप्शन सेलिंग में अच्छा है, आप करते हैं तो ऑब्वियसली आपका नॉलेज हम लोगों से हाँ ज्यादा है, ये मेरा भी मानना है इसमें। हाँ हाँ तो आप लोग नहीं करते हैं ज्यादा, स्टॉक लेके छोड़ दिए कभी काल, सिर्फ बस ऑप्शन बाइंग करते हो, तो बहुत ज्यादा न्यूज देखते भी नहीं है तुम। तो सबके आज सबके लिए कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, ऑप्शन बाइंग भी ऐसा सिखाऊंगा, ठीक है, कि उसमें लॉस आपका एकदम 50% खत्म हो जाएगा। चलिए दादा, थैंक यू थैंक यू, वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, एक नया नॉलेज होगा। ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा मार्जिन हेजिंग के बारे में भी दादा थोड़ा क्लियर हो हेजिंग जाएगा। भी पूरा सिखा दूंगा। ठीक है, हाँ जो भी है हो आज जाता है नो प्रॉब्लम। तो ठीक है। मैं सीधा एक मिनट प्रेजेंटेशन कर देता हूँ। चलिए दादा, ओके हाँ एक मिनट, वो मैं माइक ओपन ही छोड़ रहा हूँ, जिसको जो भी क्वेश्चन है बीच में ही पूछ सकते हैं, मैं माइक किसी का बंद नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग अपने साइड से पूछना होगा, तो वैसे हम लोग अभी बंद कर दिया हाँ तो हाँ टेंशन नहीं है। ओके ओके, ठीक है। फिर क्यों दिखा रहा है समवन वांट्स टू ज्वाइन मीटिंग? ओपन किया है ना सबके लिए। एक मिनट, कौन है? मैंने तो उसको ओपन करके छोड़ दिया है ना, कि वो ज्वाइन नहीं हो रहा है क्या? नवीन, नवीन जी, हेलो नवीन जी, हेलो नवीन जी। बोलिए दादा, आ तो रहे हैं। नहीं 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 नवीन जी, मैंने ओपन कर दिया है ये मीटिंग को। ठीक है, क्या ज्वाइन ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है क्या? क्योंकि फिर अगर वो क्लास के बीच में फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, जैसे अभी हम लोग तो किए बाय डिफॉल्ट दादा, बस जो आस्क टू ज्वाइन टू एनीवन आ रहा था ऑप्शन, क्लिक किए फिर हो गए, सारे लोग तो दिख रहे हैं, बहुत लोग। अच्छा ठीक है, वो छोड़िए हाँ एक फिर। बार आप देखिए ना, दिक्कत होगा तो फिर लोग वो क्वेरी करेंगे, फिर अकॉर्डिंगली फिर किया जाएगा। मेरे को फिर जो ठीक है, मैं दूसरे अकाउंट से ज्वाइन कर लेता हूँ। समय स्पेस का रिकॉर्डिंग करके रखा है। ठीक है, ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपना। ठीक है, पूरा का पूरा ही शेयर कर दे रहा हूँ। स्क्रीन जा रहा है? यस सर। हाँ ठीक है, तो देखो ज़्यादा देर ना करते हुए वो सीधा करेंसी के पेपर पर लेके जाता हूँ। ठीक है,
अच्छा करेंसी में सब लोग पूछते हैं कि कौन सा चार्ट देखना है, ए वाला चार्ट देखना है। इसका नाम है यूएस डॉलर इंडियन रुपी और ये आईसीई होगा, ठीक है। ए वाला चार्ट ही देखना है, ए वाला स्पॉट का चार्ट है, जैसा निफ्टी बैंक निफ्टी का होता है ना, तो ये वाला स्पॉट का चार्ट है, ठीक है। इसी में सबको सुनाई दे रहा है ना, हेलो। सर आवाज आ रहा है। हाँ चार्ट ए वाला चार्ट देखना है, सब लोग पूछते रहते हैं मेरे को कौन सा चार्ट देखना है, कौन सा चार्ट देखना है, ए वाला चार्ट देखना है। ये देख लो सब लोग, या आप यूएसडी आईएनआर लिख के उधर देखना, आपको आईसीई मिलेगा, ठीक है। और अच्छे से दिखा देता हूँ ए वाला चार्ट, ये देखो यूएसडी आईएनआर आईसीई, ठीक है। ये वाला ओपन करना है, इसको देखना है। इतना समझ में आ गया ना चार्ट का? अच्छा ठीक है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब देखो स्ट्रेटेजी जो है वो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो मेरे को लगता है कि ये बेसिक वालों के लिए नहीं है, जिन्होंने पूरा बैच कंप्लीट कर लिया है उनके लिए क्लास है, ठीक है। तो ये आपका वन डे का चार्ट हो गया, मैं मंथली का दिखा देता हूँ। ये यूएसडी आईएनआर मंथली है, ठीक है। ये आप देख लो, ये एक एक कैंडल एक एक मंथ का है, ठीक है। और ये आप ट्रेंड देख लो, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड है अप ट्रेंड, ठीक है। तो अप ट्रेंड में हम लोग क्या करते हैं, अप ट्रेंड में जब कोई स्टॉक होता है तो ऐसे जब ऊपर जाता है, फिर जैसे ये इंपल्स जब नीचे की तरफ आता है, रिट्रेस करता है, वहाँ पर बाइंग होता है, ठीक है। वहाँ पर बाई करके कोई भी स्टॉक होगा तो हम उसको बाई करके छोड़ देंगे, क्योंकि हमको पता है कि वो बड़े टाइम पीरियड में ऊपर ही जाएगा। ये अप ट्रेंड का यही फायदा है कि अगर रिट्रेस कर रहा है तो उसको बाई करके छोड़ दो, ऊपर ही जाएगा। तो 2010 में देख लो कहाँ पर था यूएसडी आईएनआर, ये 43 के पास था, देख रहे हो। और अभी कितना चल रहा है, 2024, कितना हो गया, डबल हो गया 10 साल में, ठीक है। और मैंने और एक चीज़ बोला था, ठीक है, कि अगर ये देखो ये क्या हो रहा है, देखो दिखा रहा हूँ एक मिनट, चार्ट को कुछ ड्रॉ नहीं करना है, बस ऐसे ही फील करना है चार्ट को। ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए पहले कितना वोलेटिलिटी कितना था, और अभी वोलेटिलिटी देखिए कितना कम हो गया है। इसका मतलब क्या है, मतलब जो प्राइस है वो नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अगर कोई चीज़ अप ट्रेंड में है और अगर नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो चांसेस क्या है, वो ब्लास्ट करके ऊपर जाने के चांस ज़्यादा है। जैसे आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है ना, ये देखिए कुछ ऐसा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जैसा दिख रहा है। इसको फ्लैग भी कंसिडर कर सकते हैं मंथली में। तो कोई भी, मैं जब भी कोई स्टॉक देखता हूँ, कुछ भी देखता हूँ, पहले उसको मंथली में देखता हूँ, ठीक है। मंथली में देखा, उसके बाद मैं उसको वीकली में देखता हूँ, फिर उसको मैं डेली में देखता हूँ। तो मंथली में मेरे को ये दिख रहा है कि प्राइस जो है वो एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, और इसका एक अप ट्रेंड में है, तो इसका चांसेस है कि ये ऊपर ही चला जाएगा, नीचे गिरने का तो चांस नहीं है। तो यूएसडी आईएनआर का मैं थोड़ा बता देता हूँ, यूएसडी आईएनआर है यूएस डॉलर और इंडियन रुपी। किसने अनम्यूट किया है, कोई क्वेश्चन है बोलिए। अच्छा दादा प्रवीण बोल रहे हैं। अच्छा अभी जैसे थोड़ा सा लग रहा है ना कि वोलेटिलिटी तो सही बताया आपने कम है, और एक लेवल में थोड़ा सा जैसे लगता है रुका हुआ या कंसोलिडेशन फेज में, अब वो अभी अभी फिर मैं वो बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है। आप पहले यूएसडी आईएनआर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे निफ्टी 50 का होता है, निफ्टी 50 क्या है, हमारा देश का टॉप 50 कंपनी का वो इंडेक्स है, ठीक है। तो हमारा देश का टॉप 50 कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है वो आप निफ्टी 50 को देख के बता सकते हैं। वैसा निफ्टी 200 है, हमारे देश का टॉप 200 कंपनी है, उसका वो इंडेक्स है, मतलब वो 200 कंपनी कैसा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बुरा कर रहा है, वो अप डाउन होता रहता है, ठीक है। सेंसेक्स का भी वैसा ही है, 30 कंपनी का होगा, ठीक है, बीएससी जो सेंसेक्स है वो। तो यूएसडी आईएनआर इन सब से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि ये करेंसी है। जैसे हमारे इंडिया में कुछ अगर ट्रेड हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, आप इंडियन रुपीस में ही खरीदोगे कुछ भी, अगर कुछ परचेज करना हो इधर इंडिया में। लेकिन अगर आप यूएस में जाओगे, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो वो इंडियन रुपीस है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा यूएस डॉलर में, ठीक है। तो ये उसका काम करता है। तो आपको ये पता चलेगा, आपके पास मान लीजिए 100 रुपये है, ठीक है,
तो उसमें से आप कितना डॉलर परचेस कर सकते हो, अभी उसका 83 भाव है, ठीक है, तो आपको शॉर्ट उस हिसाब से जो इतना होगा उतना ही मिलेगा, आपको कम मिलेगा, ठीक है। तो डॉलर हमारा इंडियन रुपीज़, ये इंडेक्स वो है, इससे हम इतना पता लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडियन रुपीज़ एप्रिशिएट हो रहा है या डिप्रिशिएट हो रहा है। डॉलर का भी पता लगा सकते हैं कि डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है या डिप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। डॉलर के बारे में और एक चीज़ है, ये वर्ल्ड में जितना करेंसी है उसमें से सबसे ज़्यादा ट्रेडेबल करेंसी है। ये आप कहीं पे जो भी बोल रहा हूँ नोट भी कर सकते हो। सबसे आप अगर आपको वो जो क्रूड है ना, क्रूड खरीदना है, उसके लिए डॉलर चाहिए। आपको कहीं से भी विदेश से गोल्ड लाना है इधर, डॉलर चाहिए। कुछ भी आपका डिफेंस में कुछ खरीदना है, डॉलर चाहिए। तो उधर इंडियन रुपीस नहीं चलता है, ठीक है। तो डॉलर ये पूरा दुनिया में सबसे ट्रेडेबल करेंसी है, ठीक है। और कहीं भी दुनिया में कोई भी हलचल हो, ठीक है, उसको बस एक रीज़न चाहिए ऊपर जाने के लिए। कहीं पे वार हो गया, कहीं पे महामारी आ गया, कुछ भी हो गया, भूकंप आ गया, कहीं पे धुआं धुआं हो गया, कुछ भी हो, उसको बस एक रीज़न चाहिए ऊपर जाने के लिए। और आप जो US डॉलर का जो इंडेक्स है उसको भी ट्रैक कर सकते हो, लेकिन वो उतना काम में नहीं आता है, क्योंकि जब US डॉलर का चार्ट भी मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए इधर रखा है, उसका चार्ट का नाम है DXY, ये वाला है, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए इधर टॉप लगाया, ठीक है, इतना गिरा हमारा USDINR, गिरा USDINR नहीं गिरा, वो जब ये जब गिरता है, ठीक है, तब वो उतना ज़्यादा नहीं गिरता है, लेकिन ये जब बढ़ता है वो उससे भी ज़्यादा रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाता है। ये USDINR का खासियत है, ठीक है। आप चार्ट को मैं दे रहा हूँ, ये DXY है चार्ट का नाम, ये आप नोट कर लो कौन कौन से क्या क्या चीज़ देखना है और आपको क्या करना है। देखो हम लोग तो ये तो थोड़ा इंटरनेशनल चीज़ हो गया, ठीक है, तो अगर USDINR करना है ट्रेड तो आपको थोड़ा सा ना न्यूज़ के ऊपर भी ख्याल रखना होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। ये तो मतलब एक मैं तो मानता हूँ कि अगर आप दुनिया में हो तो दुनिया का खबर रखना चाहिए, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो वो रखने से थोड़ा सा फ़ायदा होता है, ठीक है, कि कहाँ पर क्या चल रहा है, उधर USA में क्या चल रहा है, उधर गवर्नमेंट चेंज हो रहा है नहीं, क्या पॉलिसी ला रहा है, ये सब अगर आपको होगा ना तो फिर आप उसको और अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। लेकिन अगर वो आपको न्यूज़ नहीं रहेगा, फिर आपको अपने लेवल के ऊपर ही वो करना पड़ेगा, क्योंकि USDINR में जब मूव आता है ना तो वो एकदम जैसे क्या बोलूँ, जब ब्लास्ट हो गया है ऐसा होता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। जब मूव नहीं है तो एक रेंज में घूमता रहता है वो। एक मिनट, कौन मैसेज कर रहा है। तो मैं कहाँ पर था, हाँ, ये फालतू टाइम पे लोग मैसेज करते हैं, ऑफिस से आ गया हूँ फिर भी मैसेज कर रहे हैं, तो ये चीज़ है, ठीक है, इसको भी देखना है और इसको देखना है। और एक देखा देता हूँ, ये है, ये दादा US डीलर इंडेक्स है ना। हाँ, एकदम हाँ, वो जो यार मैं थोड़ा बता देता हूँ, USDINR में ना वो USD और INR दोनों का पेयर है, आप समझ रहे हो। और ये सिर्फ डॉलर का इंडेक्स है, जो DXY है वो डॉलर का इंडेक्स है। और आप लोग ऐसे एक्सनेस थोड़ा सा और बता देता हूँ, आप लोग ऐसे एक्सनेस बहुत सारे ग्रुप में मैं देखता रहता हूँ कि एक्सनेस में कर सकते हैं करेंसी ये वो, ठीक है। तो देखो मैं तो जो RBI का जो गाइडलाइंस है, ठीक है, उसके बाहर तो मैं नहीं बोल सकता। तो RBI ने जो चार पेयर अप्रूव किया है ट्रेडिंग के लिए हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो मैं बता देता हूँ, आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। वो है USDINR, एक है EURINR, ठीक है, EURINR, ठीक है, तीसरा है GBPINR, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इंडियन रुपीज, ठीक है, और चौथा है आपका JPY INR, ठीक है, जापान का जो है वो, और हमारा इंडियन रुपीस। अभी बाकी तीन करेंसी हम लोग क्यों नहीं करते, सिर्फ USDINR क्यों करते हैं, क्योंकि भाई लिक्विडिटी का इशू है, उसका भी फ्यूचर है, उसका भी उधर फ्यूचर, बाकी तीन करेंसी का भी फ्यूचर है, लेकिन उसका आपको मंथली का अच्छा लिक्विडिटी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 2-3 महीने बाद का कोई पोजिशन लेना है आपको, उसमें उतना लिक्विडिटी नहीं मिलेगा,
फंस सकते हो, ठीक है। बाकी एक्सप्रेस में तो दुनिया भर का है, ठीक है, आपका कनाडा INR है, और भी बहुत सारे, मेरे को तो अभी याद नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, USD, JPY है, ये सब है। लेकिन अभी RBI ने उसको हाँ भी नहीं बोला है, ना भी नहीं बोला है। अब करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन वही होगा जो आपका क्रिप्टो का हुआ। क्रिप्टो में आपने देखा बाइनेंस को बैन कर दिया, अभी सब लोग रो रहे हैं कि पैसा अटक गया, निकाल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो वैसा कुछ हो गया तो आपके लिए तो मेरे को लगता है 10-20 हज़ार भी अच्छा अमाउंट होगा, ठीक है, जाता है तो सबको बुरा लगता है। तो उधर फंस गया तो फिर रोगे, तो उससे अच्छा है कि जो अप्रूव किया है RBI ने, उसी में मैं काम करता हूँ और मैं आपको उसी के लिए ही बोल सकता हूँ। बाकी देखो, सर ने तो सपोर्टेशन दिखा दिया है, वो हर एक स्क्रिप्ट में काम करेगा, आपको जो मर्जी चाहे करो, ठीक है, गोल्ड में करना है गोल्ड में करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डाउ जोन्स को भी देखना है, ये डाउ जोन्स वो USA का है, ठीक है, इसका भी है ये, ये भी जब हमारा बैंक निफ्टी की तरह ही है, ये अगर ऊपर जा रहा है तो वो फ्लैट रहेगा USD INR, और ये अगर गिरेगा तो ऊपर जाएगा, वही जो हमारा वाला सीन है निफ्टी का, ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मेरे को पता है ये अप ट्रेंड में है, तो ये जब भी ऐसे ऐसे यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है, अभी तो यहाँ पर है, देखिए ये छोटा कैंडल बन गया, ठीक है। तो मैं इसको 83 मैंने दिया भी था, दिखा देता हूँ, तो मैंने बोला कि देखो ये क्या हुआ, इधर दिखा देता हूँ थोड़ा सा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही सब खेल है। ये देखो क्या हुआ, इधर एक बार रेजिस्टेंस लिया, दो बार लिया, तीन बार लिया, चार बार लिया, पांच बार लिया, छह बार लिया, सात बार में इसको तोड़ के ऊपर चला गया। तो अभी क्या होगा, अभी ये एज अ रेजिस्टेंस प्ले करेगा। यहाँ पर क्या हुआ था, तो ये अगस्त महीने का है, यहाँ पर ना जब ये एकदम ब्लास्ट करके ऊपर चला गया था, तो RBI का मतलब हाथ पाँव फूल गया था। तो इधर उधर आप चेक कर लेना, इधर 15 अगस्त रहा था, मेरे को याद है, ठीक है, क्योंकि मेरा पोजीशन होल्ड था। इधर ना मतलब एकदम पैनिक सेलिंग किया RBI ने, एकदम धमाधम धमाधम सेलिंग किया, और सेलिंग करके इतना गिरा दिया, ठीक है। तो सबको पता था क्योंकि नीचे से तो डिमांड था, और इधर देखिए हैमर बना और ये बूम हो गया, ऊपर चला गया। ये आप देख लेना, ये 15 अगस्त का रहा होगा, और इस दिन हमारा इंडियन करेंसी मार्केट क्लोज था, मेरे को, मैं देख रहा था मार्केट, और उधर ओपन था USA में, ठीक है। तो वो लोग तो अच्छे से ऊपर लेके गए, ठीक है, और इधर RBI ने उधर ही मतलब USA में सेलिंग करना चालू कर दिया था, और अगले दिन ही और नीचे गिर गया इतना सा, इतना दर सारा। तो ये जो इतना ये देखिए, ये 7 बार जो इसको ये रेजिस्टेंस लिया, तो अभी ये एक अच्छा सपोर्ट बन गया है, और यही आपको इधर दिखेगा, ये देखो इधर इधर आया था, फिर एक बार मैंने इधर भी प्रॉफिट बुक कर लिया था, और ये फिर ऊपर चला गया, तो इधर फिर से आया, ये थोड़ा सा आया था, ये थोड़ा सा आया था, इधर फिर मैंने लिया था, और इधर में मैंने ग्रुप में भी बोला था, ठीक है, कि इससे नीचे नहीं गिरेगा। तभी बहुत सारे जो आपको करेंसी का भी बहुत सारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, यूट्यूब वगैरह में मिला होगा, तो वो लोग बोल रहे थे कि 82.54 पे आएगा। मैंने बोला था कि अगर यहाँ पर आया तो जितना मैंने 50 लॉट दिया था, मैंने बोला और उसको मैं डबल कर दूंगा, डबल लॉट लूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को पता था कि इधर से आएगा ना, RBI इधर खुद खरीदेगा, इधर RBI ने खुद खरीदा, इधर से सेलिंग किया और इधर खुद खरीदा, तो इधर आएगा तो फिर से खरीदेगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको सस्ता मिल रहा है, ठीक है, तो उसको बाय करना चाहिए, और RBI इसमें बहुत माहिर है, वो कब पोजिशन बनाता है आपको पता भी नहीं चलेगा, वो धीरे 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 बाइंग करता है, ठीक है, और जैसे ही उधर बायर्स एकुमुलेट हो जाता है, तब मार्केट स्पीड से ऊपर जाता है। ये आपको कैंडल देख के समझना होगा, RBI तो आपको आके बोलेगा कि नहीं मैं इधर इस लेवल पे बाइंग करूंगा, ठीक है, लेकिन वो आपको चार्ट जब आप देखते हो तब तो आपको पता चल जाता है, ठीक है, इधर भी उसका बाइंग हुआ था, इस लेवल पे उसका बाइंग हुआ था। आप अगर देखो तो USD INR का जो न्यूज़ आता है, पुराना न्यूज़ खोल कर देख सकते हो, इस लेवल पे RBI ने बाइंग किया था, और इधर से गिरा ही नहीं, वो 82 उसका तब सपोर्ट था बहुत अच्छा, इधर देखिएगा 82 उसका बहुत अच्छा सपोर्ट था, वो मैंने बोला था कि नीचे जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि RBI इधर से बाइंग करेगा, और ये इधर से एकदम रॉकेट की तरह ऊपर, जब RBI बाइंग करता है तो
वो तो उसके अंदर जितना बैंक्स है, ठीक है, मतलब आपका पीएसयू बैंक हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, वो सबको बोलता है कि इधर बाइंग करो, ठीक है, और उसका वो हुकुम है, तो सब लोग बाई करते हैं उधर, और USD INR ऊपर जाता है। तो USD INR में इधर ऑपरेटर नहीं है, इधर RBI खुद ऑपरेटर है, और USA में फेडरल जो बैंक है वो ऑपरेटर है, ठीक है, ये दोनों दोनों लोग ऑपरेटर है, यही मैनेज करते रहते हैं, और इसीलिए USD INR एक रेंज के अंदर घूमता रहता है। तो अगर हम जो मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि मैं बाई नेचर ऑप्शन सेलर हूँ, सेलिंग करता हूँ, तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि अगर एक रेंज के अंदर कोई भी चीज़ घूम रहा है तो उसको आप सेलिंग करके आराम से बैठे रहो। क्वेश्चन है किसी का? नहीं 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 आप अभी बात, मैंने वही तो बोला, देखिए एक मैंने क्यों बोला कि ये Nifty 50 से अलग है, Nifty 50 बैंक Nifty से अलग है क्यों बोला, क्योंकि ये करेंसी है भाई, ठीक है, आज आज ये 80, ये कहाँ पर चल रहा है, मतलब 83 पकड़ लीजिए, ये कल 80 पे नहीं आएगा, हाँ 83 पे चल रहा है ना, तो कल निफ्टी तो गिर सकता है, निफ्टी कल 1000 पॉइंट गिर सकता है, ठीक है, ये गिर नहीं सकता, ये गिर नहीं सकता, दोनों देश का ट्रेड चल रहा है इसके ऊपर, ठीक है, अगर ये 1 रुपये गिरेगा तो वो ट्रेड गड़बड़ा जाएगा, वो ट्रेड गड़बड़ा जाएगा। हमारा क्या होता है, हम हमारा का डिफेंस का उधर से माल आता है USA से, ठीक है, और भी कई सारे चीज़ कार्स आ रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स आ रहा है, वो सब उसका ट्रेड गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर भी नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि हमारे देश से बहुत सारा माल USA में जा रहा है। हाँ, तो अगर ये डॉलर का प्राइस बढ़ गया है, ठीक है, तो आपको क्या क्या होगा, मतलब आप कोई भी एक चीज़ $100 में ले रहे थे, आपको उसके लिए $150 देना पड़ेगा अगर प्राइस बढ़ गया, तो उधर भी गड़बड़ा जाएगा। तो वो लोग एक रेंज में उसको रखते हैं, ठीक है, वो एक रेंज में ही घूमता रहता है। तो मैं बोलता हूँ अगर कोई चीज़ रेंज में घूम रहे तो अच्छा है, मेरे को उसका रेंज पता है, मैं उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेच दूंगा और चुपचाप बैठा रहूंगा, 1 महीने 2 महीने में 1.5 महीने बैठा रहूंगा, मेरे को पता है कि वो। हेलो हेलो, एक मिनट, हेलो हेलो, अच्छा, तो अगर कोई एक चीज़ रेंज में घूम रहा है तो मेरे लिए, हेलो आवाज़ आ रहा है ना, हाँ, तो अगर कोई एक चीज़ रेंज में घूम रहा है तो मेरे लिए वो अच्छा है, मैं उसको सेल करूँगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और बीच में बैठा रहूँगा जब तक वो मेरे रेंज में है, ठीक है, तो वहीं पर। अच्छा, अब थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ आपको, सब तो ऑप्शन बायर होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग, तो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है थोड़ा सा बोलता हूँ। ऑप्शन जो बायर्स होते हैं उनको मूवमेंट चाहिए, आपने कोई एक कॉल खरीदा, पुट खरीदा, तो अगर आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा तो आप मतलब गए, आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा, मैं सही बोल रहा हूँ ना? कोई ऑप्शन बायर है ग्रुप में? हाँ, अगर वो आपका मूवमेंट नहीं, हाँ, अगर वो अगर आपको मूवमेंट नहीं मिला, जहाँ पर बाई किया वहाँ पर ही रह गया, तो आप गए काम से, तो आपका जो प्रीमियम, साइडवेज हो जाएगा। हाँ साइडोज हो गया, तो आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा। 10,000 का अगर लिया है कोई, एक अगर एक लॉट लिया है, बाई किया है 10,000 का, तो 10,000 वो जीरो हो जाएगा जी जब एक्सपायर हो गया तो, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ऑप्शन सेलिंग में आप दो तरह से जीत सकते हो। अगर आपका मतलब आपने सेलिंग किया है, मतलब आपने कोई एक ऑप्शन को सेल किया है क्योंकि आपका व्यू है कि वो यहाँ तक नहीं आएगा, नहीं तो नीचे जाएगा, ठीक है, तो एक तो आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, दूसरा क्या, दूसरा अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो भी आप जीतोगे। दो कंडीशन में आप जीतोगे, एक में हारोगे कि अगर वो आपके अगेंस्ट हो गया, आपका जो व्यू है वो अगर व्यू गलत हो गया तो आप हार गए, तो आपको उधर लॉस बुक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इधर तो मार्केट ज़्यादा हिलता नहीं है इंडेक्स, ठीक है, तो इधर सेलिंग करना ही ज़्यादा अच्छा है। अगर इधर बाइंग करेंगे, बाइंग में बहुत कम पैसा लगता है, इधर एक लॉट बाइंग करने में मेरे को शायद लगता है 10 लॉट बाई करने में ना 700 रुपये लगता होगा। हाँ, किसी का कोई सवाल है? 1700 का था सर, उस दिन आपने जो बातचीत हो रही थी, क्या 1700-1800 का 5 लाख या 10-10 लाख की बात हो रही थी ना उस दिन क्या चीज भाई बोलिए, ने, कौन आप शायद फ्यूचर की बात कर रहे होगे, ऑप्शन की बात कर रहे हैं।
मैं बना के दिखा दूंगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा बना के दिखा दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक रेंज में घूमता रहता है, इधर अगर आप ऑप्शन बाई करोगे 10 लॉट शायद 700 में आ जाएगा, मेरे को जितना लगता है इधर, ठीक है, लेकिन वो फंस जाओगे क्योंकि एक ही रेंज में घूमता रहेगा, प्रीमियम डीके हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। तो इधर ऑप्शन सेल सेल करने में ज़्यादा समझदारी है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ, जीरोधा में मेरे को लॉग इन करना पड़ेगा। ये ब्लैक के लिए मतलब ब्लैक दिख रहा है या फिर इसको व्हाइट कर दूं, कोई एक बोल। व्हाइट कर दो ना तन्मय भाई, व्हाइट कर सर व्हाइट कर दीजिए ना, व्हाइट में अच्छा दिखेगा, क्लियर। अच्छा, एक मिनट रुको रुको, कहाँ पर था, फिर से देखना पड़ेगा। माय सेटिंग्स में होगा शायद, डिफॉल्ट। अच्छा ये देखो, ये मेरा होल्डिंग ठीक है सेट सर, ठीक अभी है, अच्छा दिखेगा। दिख रहा है ना। तो ये देखो, मैंने USD INR का, USD INR ना, ये देखो 82.95 पे खरीदा था, इस जगह पर आपको बोल रहा था ना, ये इस जगह पर, इस डेट 15 जनवरी को, 15 जनवरी को मैंने फेब्रुअरी का, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई, साउंड आ रहा है, किसी को कुछ पूछना है नहीं तो म्यूट कर लो, ठीक नहीं है। सर आप कंटिन्यू 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 करिए, हाँ बाकी को लोगों को बोल दीजिए म्यूट अच्छा, करने के हाँ लिए, वॉइस ना आए। म्यूट कर लीजिए। ये मैंने इस जगह पर खरीदा था, 15 जनवरी को खरीदा था, फेब्रुअरी का फ्यूचर, ये देखो आप देख लेना, वो उस दिन को 82.90 के पास आया था शायद, मैंने 82.95 पे खरीदा था क्योंकि वो बहुत अच्छा प्राइस था। और मैंने क्या किया था, मेरा ऊपर में सेल किया हुआ था 84 का, उसको बुक किया और 83.5 को सेल किया, इसका रीज़न ये देखो, ये देखो आपका 83.39, इधर से RBI ने इसको गिरा दिया, इसके ऊपर नहीं जाने दिया, क्यों, क्योंकि इतना ही वो 15 अगस्त के दिन भी इतना ही गया था, ये आपका लेवल अच्छे से मार्क होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, इधर से भी वो गिराया था RBI ने, और इधर से भी RBI ने गिरा दिया, तो मैंने वो 10 10 पैसा और ये ज़्यादा लिया और 83.50 को बेच दिया, इधर इधर के करीब बेच दिया था, ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर तुमको ऊपर आना है तो ऊपर आओ, ठीक है। तो इधर इतना इतना तक आया भी था, ठीक है। तो अभी वो ऊपर नहीं आया तो मैंने इसका पूरा प्रीमियम खा लिया, ये देखो थोड़ा सा बचा है, कितना बचा है, 80, वो ए वाला है, वन एक 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 पैसा और 25 उसका क्या सेंट होगा, 1 पैसा 25 सेंट बचा है अभी, इसको भी खा लूँगा। ये पूरा 13,000, इधर 11,750 दिखा रहा है ना आपको, ये पूरा इधर 13,000 है, और ये मेरा जो फ्यूचर बाइंग किया था ये मेरे को 4,000 का प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इधर फिर से मार्च का बाई कर लूँगा अभी, ठीक है, क्योंकि ये तो फेब्रवरी मंथ में ख़त्म हो जाएगा 82.95 पे, तो फिर मैं जो स्पॉट में जो प्राइस रहेगा उधर से मैं फिर से 50 लॉट ले लूँगा मार्च का फ्यूचर, और फिर 83.50 को बेच दूंगा, तो उसका अगर ऊपर नहीं गया तो उसका भी प्रीमियम खा लूँगा, ये सिंपल सा है, ठीक है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो अगर 50 लॉट फ्यूचर बाई किया है तो 50 लॉट सेल करना, थोड़ा सा रिस्क लेना है तो 50 लॉट बाई किया है 100 लॉट सेल कर देना, उससे भी ज़्यादा रिस्क लेना है 50 लॉट बाई किया है 150 लॉट सेल करना, ठीक है। वो उसको आप सेलिंग को आप ट्रिपल भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो आपका व्यू होना चाहिए उतना कि इतना नहीं आएगा। मैंने सोचा कि मैंने 84 खा लिया है, ठीक है, इतना इतना 84.5 खा लिया है तो 83.5 पे थोड़ा सा खा लेता हूँ, इसलिए मैंने 100 लॉट बेचा, ठीक है। उतना अगर मतलब 1.5 महीना 2 महीना बाद का होता तो शायद मैं 150 लॉट बेचता। सर इसमें भी फ्यूचर मतलब वीकली और मंथली एक्सपायरी है क्या? थोड़ा सा बता देता हूँ, वीकली में ना, वीकली में कि इसमें वीकली होता है लेकिन वीकली में लिक्विडिटी कम होता है, ठीक है। मंथली में आपको ओके लिक्विडिटी, मंथली में लिक्विडिटी ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि RBI भी खरीदता है उधर से, फेडरल बैंक है USA में वो भी खरीदता है, बैंक्स भी खरीदते हैं, इसलिए आपको लिक्विडिटी फ्यूचर में मिल जाएगा,
मंथली में ज़्यादा अच्छे मिलेगा, मंथली में कीजिए ठीक है। वो आपको ऑफिस ऑफिस होता है ना भाई, वीकली में आप हैंडल नहीं कर पाओगे, कुछ अगर इधर उधर हो गया लॉस हो जाएगा, फिर बहुत गालियाँ पड़ती है ठीक है, ये मैं खुद एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मंथली में कीजिए, आराम से बैठे रहिए ठीक है, आरबीआई अपने साथ है, हमको जो भी करना है आरबीआई के साथ करना है ठीक है। हम अपना मतलब बोलते हैं ना, फादर जो है आरबीआई है, इधर यूएसडी आइनर में। आरबीआई अगर बोलेगा कि ऊपर जाएगा तो हम लोग बाई कर लेते हैं कैंडल देख के, आरबीआई बोलेगा कि इससे ऊपर भाई नहीं जाएगा तो हम उधर सेल भी कर देते हैं ठीक है। ये इतना समझ में आ गया जो मैंने अभी तक बताया? जी सर आ गया। हाँ यस वो मैं बास्केट बना के मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसे होता है ठीक है। अभी और एक ट्रिक बताता हूँ ठीक है। मान लीजिए ये इसका यूएसडी आइनर का 83 अभी बहुत अच्छा सपोर्ट है, 83.81 है, 83.81 बहुत अच्छा सपोर्ट है, और इसका ये 83.40 के पास बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है ठीक है। तो ये घूमते घूमते ना 83.40 के पास आ गया ठीक है। तो अभी आप बोलोगे कि तन्मय भाई आपने तो बोला था सपोर्ट पे लेना, मेरा मिस हो गया, तो अभी ये रेजिस्टेंस पे है, सेल कर सकते हैं क्या? भाई सेल कर सकते हो, लेकिन कोई अगर चीज़ लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड पे है तो इसको अगर इधर से आप सेल करोगे ठीक है, और ये इधर से नीचे ना आके ऊपर ब्लास्ट करके चला गया तो आपका तो गया ठीक है। क्योंकि मैं बता देता हूँ, 10 लॉट बाई करने में आपको 20,000 के करीब जाएगा ठीक है, और अगर वो 1 रुपये ऊपर जाता है तो आपको 10,000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन वो अगर 1 रुपये नीचे गया तो आपका 10,000 का लॉस होगा। और इधर से अगर फ्यूचर सेल किया और अगर ये इधर से 50 पैसा 1 रुपये ऊपर आ गया ठीक है, तो आपका तो मतलब वो पॉकेट खाली हो जाएगा, अगर स्मॉल कैपिटल से कर रहे हो ठीक है। तो कोई अगर चीज़ लॉन्ग टाइम पे अप ट्रेंड पे है तो उसको रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करते हैं। तो क्या करना होता है इधर, आप इधर ये कर सकते हो, ये जो रेजिस्टेंस है इसको आप मतलब ये फेब्रुअरी है ना, मार्च को फिर आप सेल करो, मार्च को सेल करके आप उसका मार्च अप्रैल मई को बाई कर लो। एक ही स्पॉट पे करना होगा इसको, क्यों बता रहा हूँ ठीक है। 83.40 है इसको, आप मैंने क्या बोला फेब्रुअरी है ना, मार्च को सेल करना है और मई को बाई करना है ठीक है। तो बोलोगे कि यार इससे क्या फ़ायदा, ठीक है इससे फ़ायदा ये होगा ठीक है, अगर ये ऊपर चला गया, क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम पे तो अप ट्रेंड पे है, अगर ये ऊपर चला गया ठीक है तो भाई आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ये तो भगवान मार्केट को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, अगर ऊपर चला गया तो क्या। लेकिन अगर ये नीचे आ गया तो आपने जो सेलिंग किया है उसमें प्रॉफिट होगा और जो बाई किया है उसमें लॉस होगा ठीक है। तो आप तो वही चाहते थे कि ये नीचे आ जाए, सपोर्ट पे आ जाए तो मैं बाई करूँ, तो अगर जब नीचे आ जाएगा सेलिंग लेग को काट देना, जो फ्यूचर सेल किया है उसको काट देना और जो बाई किया है उसको रख देना, उसको आपको लॉस दिखाएगा लेकिन उसका प्रॉफिट तो आपने सेल से निकाल लिया है ठीक है। और इधर से ऊपर से आप ऑप्शन सेल कर देना, अगर फिर से ऊपर आ रहा है तो आपने जो ऑप्शन बाई किया था और जो आपको लॉस में दिखा रहा है वो अभी प्रॉफिट में आ जाएगा, और ऑप्शन जो है ठीक है उसका तो काम ही है, मतलब वो टाइम उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू रहता है, वो जैसे 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 टाइम जाता रहता है वो डीके होता रहता है ठीक है, तो उसमें भी आपको प्रॉफिट है, तो आपके पांचों उंगली घी में है। ये समझ में आया किसी को या फिर से एक्सप्लेन करूं? आ गया समझ में। अभी एक क्वेश्चन मेरा ऐसा था कि अभी आपने बोला कि अभी उसमें लॉट के साइज कैसे बाइंग कर सकते हैं अपन, यहाँ पे बता रहा है कि एक क्वांटिटी और उसमें बता रहा है 1600 रुपये कुछ भी अमाउंट बता रहा है, मैं दिखा लेकिन देता उसको 10 क्वांटिटी। मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ऑर्डर पे गए, बास्केट किधर है, बास्केट न्यू बास्केट यूएसडी आयनर नाम दिया ठीक है, क्रिएट कर लिया। मैंने क्या बोला कि 15 तारीख के बाद जो करंट मंथ है उसमें नहीं करना है, हम अगले मंथ का देखेंगे ठीक है। तो अगले मंथ का क्या होगा, यूएसडी आयनर मार्च ठीक है, मार्च का फ्यूचर हो गया है ठीक है। तो अभी इधर एक लॉट दिखा रहा है ठीक है, मैं बोलता हूँ तो अगर आपके पास कैपेसिटी है तो 50 ले लो अगर है तो। ये देखो ये 50 लॉट आपको कितना पड़ेगा, 83,000 का पड़ेगा ठीक है। तो अगर ये 50 लॉट लिया और ये अगर आपको 1 रुपये ऊपर गया, 1 लाख का प्रॉफिट होगा शायद, 1 लाख का, हाँ 1 लाख का प्रॉफिट होगा ठीक है। ये अगर इस लेवल पे कहाँ पर है, 83.40
83.11 पे है ना, ठीक है। अगर 84 पे चला गया तो आपको 1 लाख का प्रॉफिट होगा, और इसको आप एनालाइज भी कर सकते हो। एक मिनट, 82 पे आएगा तो फिर 1 लाख का लॉस। अरे भाई वही तो बोल रहा हूँ, ठीक है। वो बड़े, उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए, और ये करने के लिए, ठीक है, आपको वो देखने का हिम्मत भी चाहिए। मैंने क्यों क्या बोला, देखो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको पहले दिखा देता हूँ उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। ये देखिए, वो उन्होंने ठीक ही बोला कि 83 पे है ना, अब उसको 82 पे लाते हैं, 49,000 का लॉस है, ठीक है। ओ सॉरी, वो 100 लॉट में था, 50 लॉट में आपको 50,000 का लॉस दिखाएगा, 82 पे आ गया, 50,000 का लॉस है, ठीक है। और अगर ये 84 पे चला गया तो आपको 50,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो देखो, मैं जो भी पोजीशन बनाता हूँ, मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को लॉस कम हो, ठीक है। हमको इधर मार्केट में हम लोग पैसा कमाने आए हैं, कोई भी ऐसा पोजीशन नहीं बनाएंगे जिसमें लॉस ज़्यादा हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, आपका साइकोलॉजी तो एक डिस्टर्ब होता है, कैपिटल भी जाता है, ठीक है, और ऐसे घर में फिर झगड़ा वगड़ा चालू हो जाता है, ठीक है। वो हम लोगों को नहीं करना है, तो इससे बचने के लिए मैं बोल देता हूँ क्या करना है, ठीक है। ए इधर 80 ले लिया, 50 लॉट, ठीक है, और इसको बेच दो USD INR 83। जी, एक मिनट, मैं बोल देता हूँ, 1,000 होता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, रुकिए, ठीक है। 83 पॉइंट मार्च का है ना, ये कितने में, ओ अभी ये 5 पैसे पे आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं है ना, इसलिए ज़्यादा स्पीड से डीके हो रहा है। इसको सेल करना है, 100 लॉट एड, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बोला, ठीक है, कि 50 लॉट बाई है और 100 लॉट सेल कर दिया 83.5, और इसको आप एनालाइज पे जाके देख सकते हो, ठीक है, कि जो पोजीशन बना है वो कैसा है। ये देखो, ये पोजीशन हमेशा ऐसा होता है, ठीक है, वी जैसा। तो अभी आपको क्या दिख रहा है, आप देखो, मैक्स प्रॉफिट है 24,125, ठीक है, और आपका ये ब्रेक इवन कितना है, आप 83 जो सपोर्ट है अभी वहाँ तक प्रोटेक्टेड हो, और आपका 83.98 मतलब वो 84 का जो रेजिस्टेंस है उसके बीच में अगर मार्केट रहेगा तो आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। तो अगर ये नीचे आपका जो होता कि 82 के पास अगर चला गया तो क्या करना है भाई, उसको एवरेज करना है। मैंने ये 50 लॉट में दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं 50 लॉट में करता हूँ। अगर आप 10-20 लॉट में करते हो तो 10 लॉट इधर बाई करो, ठीक है। अगर 1 रुपये 50, ये गिरता नहीं है, ठीक है, आप इसका मंथली रेंज निकाल के देखना, ये मैक्स टू मैक्स एक मंथ में 1.5 रुपये जाता है, मैक्स टू मैक्स, मतलब कुछ बहुत ये मतलब गिरने का बोल रहा हूँ, गिरने का, ठीक है। 1 रुपये भी मुश्किल से जाता है, 10 पैसे 20 पैसे में घूमता रहता है, ठीक है। ऊपर की तरफ जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, नीचे की तरफ गिरने का चांसेस बहुत कम है। RBI सेलिंग करेगा तभी नीचे गिरेगा, और RBI पागल नहीं है जो सेलिंग करेगा, वो अगर वो जो पोजीशन बनाया ना वो कभी लॉस बुक नहीं करेगा, आप इतना समझ लेना। कभी कभी ना ये हिलता ही नहीं, एक ही जगह पर खड़ा रहता है। हम तो बोलते हैं हमारा अच्छा है, ऑप्शन डीके होता रहेगा, खड़े रहने दो, ठीक है। तो इसको ऐसे बास्केट बना के आपको देखना है, ये अगर 10 पैसा होता ना बहुत अच्छा होता, अभी ये 5 पैसा दिखा रहा है क्योंकि USD INR में मूवमेंट नहीं है। ये अगर 10 पैसा होता ना बहुत अच्छा आपका, मतलब ये ज़्यादा अच्छा होता, ये प्रॉफिट वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा जो व्यू है USD INR में हमेशा ऊपर की तरफ जाता होता रहता है। अगर ये 83 पे सपोर्ट लेके 83.5 के आसपास, 83.30 के पास भी गया, उधर तो हमारा रेजिस्टेंस है 83.40, तो उधर भी हम बुक कर लेते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ठीक है। और ये आप हर महीने कर सकते हो, हर महीने, मैं तो 2 महीने का भी, एक साथ 2 महीने बाद का भी पोजीशन लेकर रख लेता हूँ, ठीक है। ये आप हर महीने कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है। और अच्छा लॉट का है, अच्छा मैं और थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा कोई बता सकता है कि निफ्टी का एक लॉट फ्यूचर का, मतलब बोल रहा हूँ निफ्टी का एक लॉट फ्यूचर विदाउट मार्जिन कितने का पड़ेगा, कोई बता सकता है? 1,10,000। नहीं, वो तो आप
नहीं दादा, दादा वो तो आप मार्जिन बता रहे हो ना कि 1 लाख में 1 लॉट फ्यूचर मिल जाता है। अगर आपको वो विदाउट मार्जिन लेना है, विदाउट मार्जिन लेना है, आपको कितने का पड़ेगा? निफ्टी, निफ्टी मैं बता देता नहीं हूँ, आता है ना मैं बता देता हूँ उसको वो कैसे कैलकुलेट होता है। मैं बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट होता है, 1 मिनट रुकिए। निफ्टी कहाँ पर है? निफ्टी है 22,040 पे, ठीक है 22,000 पकड़ लेते हैं, 22,000 हो गया ठीक है। लॉट है, लॉट का साइज़ है 50, 1,25,000 आता है। नहीं, मैं बता देता हूँ 22,000 का है ठीक है, 22,000 पे चल रहा है निफ्टी, और निफ्टी का लॉट साइज़ है 50, तो 22,000 × 50 कीजिए, आपको दिखाएगा 11 लाख दिखाएगा, 11 लाख विदाउट मार्जिन अगर ले हुए 1 लॉट फ्यूचर आपको 11 लाख का पड़ेगा। और आपको एनएससी कितने में दे रहा है? 1 लाख में, मतलब कितना परसेंट हुआ वो आपका? 10%, 15% हुआ ठीक है, मेरे हिसाब से अंदाजन बोल रहा हूँ, इतना हुआ ना। तो अभी मैं इधर यूएसडी आईएनआर का बताता हूँ ठीक है। यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर अभी 83 पे चल रहा है ठीक है, इसका 1,000 का लॉट है, तो मतलब क्या हुआ 83,000, सही बोल रहा हूँ ना हिसाब विदाउट मार्जिन? अगर यूएसडी यूएसडी आईएनआर का 1 लॉट फ्यूचर विदाउट मार्जिन हमको बाई करना है तो उसका उसका प्राइस चल रहा है 83,000, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ तो आपको एनएससी कितने में दे रहा है वो? 1,600, 1,700, 2,000 में दे रहा है ना? 1 लॉट बाई करने में इतना ही आता है ना, आप लोगों ने तो देखा होगा। 83,000 हाँ जी सर, 1,600 आ रहा है। 1,600 आ रहा है ना, तो क्या के एनएससी पागल है क्या? 83,000 का माल आपको 3% पे दे रहा है, एनएससी पागल तो नहीं है ठीक है। उसको पता है कि इसमें मूवमेंट नहीं है, इसमें आरबीआई कंट्रोल करता है, उधर से फ्रेट कंट्रोल करता है, तभी तो इतने सस्ते में दे रहा है, 3% मार्जिन पे माल दे रहा है वो ठीक है। तो ये देखो ये चीज़ ज़्यादा लोग ना डिस्क्लोज नहीं करता है, लेकिन जो एच एन आई लोग जो तो होते हैं ना, वो हर महीने इधर से 10% निकालते हैं, आप देख लेना, इधर से सेलिंग करके निकालते हैं वो लोग 10%। तो जिनको भी निफ्टी में, मैं तो बोलता हूँ ठीक है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जिनको भी बहुत सारा घाटा हुआ है, लॉस हुआ है, रिकवर भाई करेंसी में होगा। और जिसको एक बार करेंसी की लत लग गई यूएसडी आईएनआर का, वो फिर सब छोड़ देगा और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ करेंसी करेगा। तो जिसको भी ट्राई करना है, अगर आपके पास 20-30 हज़ार हो उससे ट्राई करो। मैंने तो बोला था 5 लॉट में ट्राई करो, 5 लॉट बाई कर लेना ठीक है, उसका 50 पैसे ऊपर से सेल कर देना और बैठ के देखना ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको कितना लॉस होगा। 4-5 हज़ार से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन एक्सपीरियंस आपको बहुत मिलेगा ठीक है। मैंने खुद दस सर, इसका टाइम क्या है करेंसी का, मार्केट का, क्या इसका टाइम करेंसी मार्केट का, फ्यूचर करेंसी मार्केट का क्या में ही करने का? टाइमिंग टाइमिंग आप देखो, ट्रेडिंग टाइम क्या है इसका? ट्रेडिंग टाइम है जैसे एनएससी ओपन होता है ना 9 बजे, 9 बजे से करेंसी मार्केट चालू हो जाता है ठीक है, 5 बजे खत्म होता है, हमारा इंडियन में बोल रहा हूँ। लेकिन यूएसडी यूएसडी आई ऑर्डरिंग मैं बोल रहा हूँ, कैसा था वो? मैं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ इंडियन मार्केट में टाइम, ट्रेडिंग टाइम पूछ रहा हूँ। ट्रेडिंग ट्रेडिंग टाइम है 9 to 5, सुबह 9 बजे ओपन होता है, 5 बजे ख़त्म होता जाता है। लेकिन इसका जो स्पॉट है ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में चालू होता है 2:30 बजे, सुबह 2:30 बजे चालू होता है ठीक है, और रात में जब डाव जोन्स क्लोज होता है ना 2:30 बजे, तब जाके बंद होता है, मतलब ये 24 घंटे ओपन रहता है। आप मान लीजिए एक एक दो घंटे छोड़ के ये 24 घंटे ओपन रहता है, ये सुबह तो हम लोग अगर क्लोजिंग है क्या? क्या चीज़? तो हम लोग अगर समझो इंडिया में कर रहे हैं तो हम लोग 5 बजे तक ही कर पाएंगे ना ट्रेड? इसीलिए तो हेज करने को बोल रहा हूँ, हेज इसीलिए इसीलिए ओवरनाइट क्या होगा इसके ऊपर ना आपका कंट्रोल है ना मेरा कंट्रोल है, लेकिन इतना भरोसा है कि कुछ भी होगा उसको आरबीआई मैनेज करेगा, उसको फेड मैनेज करेगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों भी इधर पैसा लगाए हैं, उनका भी चल रहा है, हमारा थोड़ा लगा है, उनका बहुत ज़्यादा लगा है ठीक है। तो वो लोग भी इधर कर रहे हैं, वो लोग घाटे में तो नहीं जाएंगे ठीक है, और जो भी होता है उन लोगों का ठीक है, वो ऐसे आरबीआई बोलता है, बोलेगा उसको फेड को कि भाई मैं, हमको तो नहीं बोलेगा लेकिन अमेरिका तो को बोलेगा कि भाई मैं तेरा डॉलर इस लेवल पे बाई करूंगा ठीक है, क्योंकि उसका भी तो पोजीशन मैनेज करना है।
और अगर फेड उधर से कुछ कर रहा है इंडियन रुपीस को, तो वो भी आरबीआई को बोलेगा कि भाई आरबीआई मैं इधर से ये कर रहा हूँ, ठीक है तू संभाल ले। आप समझ रहे हो? तो जो भी होगा एक रेंज में ही घूमता रहता है। अगर अगर कभी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है ये देखो, मैं थोड़ा वोलेटिलिटी कम है इसलिए तो बोल रहा हूँ कि सेलिंग करने में ज़्यादा मज़ा है, ठीक है सेफ है, सेफ है हाँ। सेलिंग सेलिंग ऑप्शन से ऑप्शन नहीं, ऑप्शन ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों होता है, ठीक है। मैंने बोला फ्यूचर बाय करना है सपोर्ट पे, ठीक है स्ट्रेटेजी समझो, फ्यूचर बाय करना है सपोर्ट पे, ठीक है, और रेजिस्टेंस को सेल करना है, रेजिस्टेंस का ऑप्शन सेल करना है। अच्छा रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि ऑप्शन जो है वो ओटीएम होगा, ठीक है, और वो उसका उसमें उसके अंदर सिर्फ टाइम वैल्यू रहता है और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप एक महीना बैठे रहो फ्यूचर खरीद के, फ्यूचर वही रहेगा, आपको कोई ना प्रॉफिट है ना लॉस है, ऑप्शन जो सेल किए उसमें से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। समझ रहे? फ्यूचर तो दादा जो हम ये करेंगे ये तो आईटीएम करेंगे ना, जो बाय करेंगे। अरे भाई फ्यूचर स्पॉट में लेना है, आपको फ्यूचर का नहीं पता, फ्यूचर क्या है? आप पहले फिर एफएनओ समझाता हूँ, एफएनओ समझो, ठीक है। पहले सबसे पहले स्टॉक, हाँ मैं बता दे रहा हूँ, पहले स्टॉक मार्केट में, ठीक है, ऐसे ये होता था आपका जो है स्टॉक्स, ठीक है वो चलता था, ठीक है, और कॉमोडिटी चलता था, ऐसे जैसे धान हो गया, बाजरा हो गया, ऐसा जो होता है ना, वो मेटल हो गया, ठीक है, वो चलता था। फ्यूचर क्यों आया? फ्यूचर देखो, आपको मतलब कोई माल यूएसए में सप्लाई करना है तो वो तो आप आज तो सप्लाई नहीं करोगे, आपका उसके साथ क्या होगा, उसका भाव होगा, भाव तो होगा ना, बोलोगे कि तीन महीने बाद डिलीवरी लूँगा, ठीक है, तो तीन महीने तो इधर कुछ भी हो सकता है, इंडिया में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो क्यों लेगा? तो उसको तो एक प्राइस बोलना पड़ेगा ना। तो आज अगर उस चीज़ का प्राइस 100 रुपये है, कोई गारंटी है कि 3 महीने बाद भी उसका चीज़ का दाम 100 होगा? हो सकता है 50 हो जाए, हो सकता है 150 हो जाए। तो वो जो तो जिसके साथ आपने उधर बात किया था, ठीक है, जिस कंपनी के साथ माल भेजने का, तो वो आपसे क्यों लेगा? तो उसको स्टेबल करने के लिए फ्यूचर लाया गया है, ठीक है, और ये मैंने नहीं किया, ये एक्सचेंज खुद लाया है ये रेट, ठीक है, रेट खुद लाया है। और आपको निफ्टी में फ्यूचर 3 महीने तक मिलेगा, आज ये जो महीना चल रहा है इसके आगे और 3 महीने का मिलेगा। यूएसडी आईएनआर में आपको 1 साल बाद का भी मिल जाएगा, ये फेब्रवरी है ना, आपका नेक्स्ट फेब्रवरी का भी मिल जाएगा, 2025 का फ्यूचर मिल जाएगा आपको यूएसडी आईएनआर में, उसमें लिक्विडिटी है, आप बाई कर सकते हो, ठीक है। तो हमको क्या करना है, फ्यूचर स्पॉट के हिसाब से चलता है, ठीक है, वो आपने फ्यूचर नहीं किया है इसको नहीं पता। और ये जो ऑप्शन आया है ना, ऑप्शन का तो आप लोगों को नहीं पता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन है। हम लोग जैसे कॉल बाई करते हैं ना, कॉल सेल करते हैं, ठीक है, और पुट बाई करते हैं, पुट सेल करते हैं, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, किसका? फ्यूचर का, वो मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, पहले इसको समझा देते। मैं तो आपको आपको फ्यूचर, ठीक है, रिस्क फ्री कैसे करना है वो भी दिखा दूंगा। किसी को अगर करना के लिए कैपिटल थोड़ा ज़्यादा चाहिए, अगर किसी को करना होगा, 5,000 का लॉस है, 5 से 7,000 का लॉस है, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है, और ऊपर अनलिमिटेड प्रॉफिट है, मैं दिखा दूंगा ऑप्शन में बना के, ठीक है। किसी को करना है तो कर सकते हो, और ऑप्शन बाइंग का भी बता दूंगा, उसमें लॉस कैसे कम करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आया कि ये सपोर्ट पे बाई करना है और ऊपर रेजिस्टेंस को सेल करना है, ये समझ में आया? हाँ, अभी और बताता हूँ, रुकिए, क्या होता है यूएसडी आईएनआर में एक्सट्रीम केसेस पे क्या होता है दिखाता हूँ। ये देखो ये निफ्टी है, ठीक है, और ये है हमारा कोविड, ये कोविड है, 7,500 पे आया था, दिख रहा है सबको? कौन सा मंथ है? मार्च का 2020 का, दिख रहा है ना? बराबर, ठीक है। अभी यहाँ पर ही मैं आपको यूएसडी आईएनआर दिखाता हूँ, आप सब लोग देख लेना, ये है 2 मार्च 2020, नहीं ये 18 20
ये होगा, ये देखो आप जब निफ्टी में रो रहे थे ना कि निफ्टी गिर रहा है गिर रहा है, ये कहाँ पर जाके रुकेगा, स्टॉक मार्केट खत्म हो जाएगा, तब लोग जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, मैंने क्या बोला था कि वो थोड़ा सा पैसा अपना डॉलर में लगा के रखते हैं, क्यों? क्योंकि कभी भी कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, जैसे वार, महामारी, कोविड जैसा महामारी, ठीक है, ऐसा कोई भूकंप आ गया, ठीक है, कहीं पर वो क्या बोलते हैं उसको, फ्लाइट व्लाइट बंद हो गया था ना, वो ऐसे निकल रहा था, वो उसको क्या बोलते हैं, सब धुआं धुआं हो गया था ना कुछ दिन। हाँ सब कुछ फ्लाइट ट्रेन सब बंद है। नहीं, वो कोविड का नहीं बोल रहा हूँ, तो एक बार हो गया था ना सब जगह पर फ्लाइट कैंसिल हो रहा था, वो कहीं पे ज्वालामुखी फट गया था, कहीं पे ज्वालामुखी फट गया था। हाँ तो कोई भी ऐसा इंसिडेंस होगा, ठीक है, मतलब कोई पता नहीं किसको कि क्या होगा आगे क्या होगा, अगर कोई ऐसा सिचुएशन है तो आप USD INR गोल्ड बाई करके रख लो, आप इसको कहीं पे लिख के भी रख सकते हो, ठीक है, कभी भी कुछ जी ब्लैक स्वान इवेंट कभी भी होगा, ठीक है, आप USD INR गोल्ड को बाई करके रखो, क्योंकि जो भी जो इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, जो बड़े प्लेयर होते हैं, उनका एक ही मतलब उनका एक ही फोकस रहता है कि कैसे अपने कैपिटल को सेव किया जाए, वो तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग क्या बाई करके छोड़ दिया, अरे चलो यार वो जिधर जाए जिधर जाए जाए 10 साल बाद देखूंगा, उनका तो ऐसा नहीं है ना, उनका बहुत बड़ा पैसा है, उनका बहुत बड़ा पैसा से उनको एक छोटा पैसा कमाना है, ठीक है, उनका फोकस यही रहता है, ठीक है, तो वो लोग थोड़ा सा पैसा अपना डॉलर में लगा के रखते हैं, तो जैसे निफ्टी में फॉल आया था ना, हम सब लोग रो रहे थे कि हमारा सब पोर्टफोलियो मतलब खत्म हो गया यार, पूरा लॉस हो गया, यही है ठीक। हाँ सारा सारा। तो तभी अगर आप डॉलर में लगा के रखते तो आपको इधर क्या मतलब कितना प्रॉफिट होता है आप सोच भी नहीं सकते, मैंने बोला ना अगर आपका 10 लॉट खरीदा है, ठीक है, मतलब 20 हज़ार लगाए हैं, 20 हज़ार भी नहीं 17 हज़ार होगा, और अगर वो 1 रुपये ऊपर, अगर वो 1 रुपये ऊपर जाता है तो आपको 10 हज़ार का प्रॉफिट है, आप रिटर्न देखिए, रिटर्न परसेंटेज में देखिए ROI, ठीक है, कितना कितना 50% से ज़्यादा, और अगर वो 2 रुपये ऊपर चला गया तो आपका तो बल्ले बल्ले हो गया, ठीक है। हाँ तो वो लोग ऐसे अपना थोड़ा सा पैसा डॉलर में लगा के रखते हैं, उससे क्या होता है उसका उनका जो पोर्टफोलियो है वो हेज होता है, ठीक है, उनको पता है कि अगर स्टॉक मार्केट में कुछ हो गया, अनएक्सपेक्टेड हो गया, गिर गया, ठीक है, मैं संभाल नहीं पाया, तो USD INR मेरे को बचा देगा, ठीक है। आप देखिए उसके बाद वो क्या हुआ, थोड़ा सा रिट्रेस किया और ऊपर ही चलता रहा, ये थोड़ा सा नीचे आया था और ऊपर ही चलता रहा, ये वाला लेवल, ये जो था ना ये वाला लेवल, ये देखिए ये कभी आया ही नहीं फिर से, और जिंदगी में कभी भी आएगा ही नहीं, मैंने बोला ना USD INR को सिर्फ एक रीजन चाहिए ऊपर जाने के लिए, उसका 100 रीजन रहेगा नीचे आने के लिए, ठीक है, वो नीचे नहीं आएगा, और उसको सिर्फ एक रीजन चाहिए ऊपर जाने के लिए, उसका अमेरिका का राष्ट्रपति के ऊपर किसने हमला कर दिया, कुछ हो गया, रशिया यूक्रेन जो वार हो गया, उसको एक सिर्फ रीजन चाहिए ऊपर जाने के लिए, और स्टॉक मार्केट को एक रीजन चाहिए नीचे आने के लिए, उसका 100 रीजन रहेगा ऊपर जाने के लिए, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, इतना सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये रहा है वो रहा है, वो एक ही रेंज में घूमता रहेगा ऊपर से, मतलब वो आपको तो पता है ऑपरेटर लोग क्या करता रहता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, ऊपर नीचे ऐसा करता रहता है, ठीक है, और उसको सिर्फ एक रीजन चाहिए कोविड वाला और वो खत्म पूरा, किसी को कुछ पता नहीं 7,500 निफ्टी, ठीक है, और हम सब रोते रहते हैं कि मेरे को भी पता नहीं था USD INR के बारे में, मेरे को बहुत बाद में पता चला, ठीक है, और एक दिखाता हूँ, ये आपका रूस यूक्रेन वॉर वाला दिखा रहा था सिनेरियो, ये तो 20 का हो गया, ये वाला था ना, यही वाला था ना वॉर वाला, 22 में हुआ था, ये था जून में, जून दो में, साल हो ही गया ऑलमोस्ट। हाँ 2 साल। हाँ जून में हुआ था ये वाला, ये 15 15 हज़ार पे, हाँ 15 15 हज़ार पे आया था ना निफ्टी, ये वाला यही है आपका जून 2022, आप देखिए वार हुआ था ना, आप देखिए इधर। जून 2022 ए वाला है, जून जुलाई क्यों दिखा रहा है? हाँ बोलिए बोलिए, वो जून नहीं था, वो फरवरी था 2022 को। दो का फेब्रुअरी था वो, सॉरी सॉरी फेब्रुअरी, हाँ ए था, फिर ए यही वाला है, ये देखिए,
एक रेंज में घूमता रहा और ये फरवरी में ये देखिए, वो तो तब तो मार्केट हमारा नीचे आया था 15,000 रुपये, और ये देखिए ये देखे हाँ आप देखिए, नहीं ये देखिए ये आपका 75 पे था, 75 पे था ठीक है। और जब उधर वार चल रहा था ना ठीक है, जब उधर रूस यूक्रेन में वार चल रहा था, तो यूएसए ना पीछे से बैकडोर से हेल्प कर रहा था यूक्रेन का, तो तब मार्केट में ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो गया ठीक है कि ये वार कितना लंबा खींचेगा। और उधर रसिया भी छोड़ नहीं रहा था, वो भी बोल रहा था मैं पूरा एकदम साफ कर दूंगा, मैदान कर दूंगा यूक्रेन को ठीक है। तो जब जब भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो जाता है ना, तो सब लोग ऐसे डॉलर डॉलर ब्लास्ट हो जाता है ऊपर की तरफ, नहीं तो गोल्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड ऊपर चला जाता है। सब तो डिमांड सप्लाई का खेल है, अगर डिमांड की कोई चीज़ का ज़्यादा होगा तो ऊपर जाएगा, और अगर तब आरबीआई भी नहीं रोक सकता, और आरबीआई अपना पोजिशन काट देता है, वो खुद बायर बन जाता है। आरबीआई ने अगर ऊपर से सेलिंग करके रखा है ना, कोई फ्यूचर है कुछ भी है, वो अपना प्रॉफिट बुक करके काट काट देता है पोजिशन ठीक है। वो तब वो फ्री फ्लो में ऊपर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई अगर ऐसा वायर वाला सिचुएशन है, आरबीआई को पता है उसका भी तो एक लिमिट ही है ना, कि वो क्योंकि पूरा वर्ल्ड को तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता ठीक है। तो उधर फेड से कुछ बात हुआ होगा, उसने पोजीशन काट दिया और ये ऊपर चला गया पूरा एकदम। ये देखो कोशिश भी किया होगा एक बार नीचे लाने के लिए, लेकिन रुका नहीं, वो ऊपर ही चला गया, और ये पूरा सीधा आ गया आपका 82-83 पे आ गया, और इधर आके स्टॉप हुआ, और फिर वो रेंज रेंज में घूमता रहा, और ये कभी नीचे गया ही नहीं, और ये नीचे जाएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो मेरा कोई मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी से अगर कोई हो तो भाई मेरे को माफ़ कर देना, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ ठीक है, लेकिन भाई इंडिया के सारे पॉलिटिशियन एकदम करप्ट है ठीक है। अभी IMF का एक रिपोर्ट आया था, आप देख लेना, हमारा जो GDP है उसका 80% वो कर्ज में डूबा हुआ है, 80% कर्ज है हमारे ऊपर, GDP का है 82-85%। तो कर्ज कौन उतारेगा? हम लोग ही उतारेंगे ना, कोई गवर्नमेंट थोड़ी देगा, पे करेगा, हम से ही लेके पे करेंगे उसका ठीक है। तो इसीलिए इंडियन रुपी एप्रिशिएट बहुत कम होता है, RBI कोशिश करता है, लेकिन वो एप्रिशिएट, ये अगर अभी 83 पे आ गया ना, अभी ये कभी नहीं नीचे जाएगा, आप देख लेना, इसका ट्रेंड भी ऊपर है, और ये ऊपर जाएगा 100 तक जाएगा ठीक है। और उसके बाद कहाँ जाएगा मेरे को नहीं पता, 1,000 भी जा सकता है ठीक है। और अगर श्रीलंका जैसा हम लोगों का हाल हो गया तो 1,000 भी जा सकता है ठीक है। तो थोड़ा सा पैसा अगर आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है, थोड़ा सा पैसा डॉलर में लगा के रखिए ठीक है, और ये ऊपर ही जाएगा। ये हो गया, तो बास्केट भी बना के दिखा दिया ठीक है कि क्या करना है, और थोड़ा सा और दिखा देता हूँ ऑफस्ट्रा में खोल के। हाँ, और एक चीज़ बता देता हूँ ठीक है, ये जो आपका निफ्टी और USDINR है, दोनों कभी एक साथ ऊपर नहीं जा सकते, दोनों कभी एक साथ नीचे नहीं आ सकते ठीक है। अगर निफ्टी बुलिश है तो USDINR साइडवेज होगा, आइदर साइडवेज होगा, नहीं तो नीचे जाएगा, कोई गारंटी नहीं है कि नीचे जाएगा, क्योंकि उसका नीचे जाने का स्कोप बहुत कम है, तो वो साइडवेज हो जाएगा ठीक है। और अगर निफ्टी गिर रहा है और अगर USDINR ऊपर जा रहा है, तो निफ्टी या तो साइडवेज होगा या फिर नीचे जाएगा ठीक है, और उसका पूरा स्कोप है नीचे जाने का। USDINR का सबको क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है तो बोलो, नहीं तो फिर ऑप्शन सेलिंग के ऊपर और हेजिंग के ऊपर जाएंगे फिर। इसका लॉट 1,000 बताया ना आपने? जी, मैंने बोला ना 83 है, और आपका 1,000 का लॉट है, तो 83,000 है एक लॉट विदाउट मार्जिन, और अगर आप उसको मार्जिन मतलब उसको जब बाई कर रहे हो, आपका पड़ रहा है 1,700-2,000 पड़ रहा है, तो आपको 3% मार्जिन पे मिल रहा है 83,000 का माल ठीक है। तो ये सेफ है, इसलिए वो लोग इतने सस्ते पे दे रहे हैं। हाँ बोलिए। मैंने बोला ना भाई, वो आपको एक लॉट बाई करने में 1,700-2,000 रुपये लगेंगे, आप 2,000 ही पकड़ के चलो ना, राउंड फिगर 2,000 पकड़ लो ठीक है। आपको 10 लॉट बाई करने में 20,000 लगेंगे ठीक है। अगर 30,000 है तो 10 लॉट बाई करो, 50 पैसे 1 रुपये ऊपर, अगर अच्छा प्रीमियम मिल रहा है सेल कर दो, आराम से बैठे रहो ठीक है, प्रीमियम डीके हो जाएगा, खा लो। सर लेकिन एक लॉट से स्टार्टिंग में अच्छा रहेगा ना, 1,600-1,700 अरे भाई तो भाई, एक लॉट से करोगे यही तो दिक्कत है, मैं आपको बोल देता हूँ, एक 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 लॉट बाई करने जाओगे ना, आप देखना आपको टैक्सेस और चार्जेस कितना पड़ेगा,
और अच्छा, एक लॉट आप सेल करोगे ना, आपको तो उधर 20 रुपए और टैक्सेस जाएंगे, तो प्रॉफिट क्या करोगे उसको जब आप फिर से सेल, मतलब जिस ऑप्शन को आपने सेल किया है वो जब डीके हो जाएगा पूरे, उसको बाय भी तो करोगे, फिर उधर से फिर से आपको लगेगा पैसा, ठीक है? तो आप चार्जेस में ज़्यादा चले जाएंगे। अगर ट्राई करना है एटलीस्ट 5 लॉट से करो, 5 लॉट में भी आपको लॉस है, 10 लॉट या 20 लॉट में करो, नहीं तो प्रॉफिट ही नहीं आएगा कुछ। दस नहीं, नहीं देखो, आपको अगर सीखना है तो आप 1 लॉट से भी कर सकते हो, लेकिन आपका चार्जेस जाएगा वो आपको दिल पे लगेगा कि 100 200 चला जाएगा, ठीक है? तो 10 20 लॉट से करो, थोड़ा सा रिस्क नहीं है इसमें, ठीक है? लेकिन वही मैंने बोला कि अगर किसी के पास 1 लाख है तो इसमें से कर सकता है, आराम से कर सकता है, ठीक है? मैंने खुद किया है, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कि कितना किया है। रुको एक बार, मार्जिन मार्जिन मतलब क्या बोल रहे हो आप, बोलो। नहीं, वो नहीं, मैं आप वो समझे नहीं, मैंने बोला 83,000 83,000 का माल आपको वो 1,700 पे दे रहा है, 3% मार्जिन है, वो ही मार्जिन है, और ज़्यादा पैसा उसके लिए रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 2,000 भी है आप ले सकते हो, आप ले सकते हो, उसके लिए मार्जिन नहीं चाहिए। हाँ, उसके लिए मार्जिन नहीं चाहिए। नहीं, अलग मार्जिन नहीं चाहिए। मैं एक मिनट रुकिए, मैं दिखा देता हूँ कंसोल, ठीक है? मैं थोड़ा दिखा देता हूँ रिपोर्ट्स, पीएनएल। ये मैंने करें मैं जब से करेंसी शुरू किया है ना, सब छोड़ दिया है। आप कंटिन्यू करेंसी में रहते हो ना? मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? बोलने से ज़्यादा इधर देखने में मज़ा आएगा। ये देखो, 1 लाख बन गया है मेरे, 80 80 है, और इधर 15 है। ये तो मैंने बोला ना फिर अगले महीने फिर सेल करूँगा, ठीक है? और आप देखो, ये देखो, मैंने जब पहले स्टार्ट किया था ना, ये वाला मेरे को दिल पे लगा था, ये वाला। ये देखो, 12,500 का लॉस था, ठीक है? तब से मैंने मतलब वो खुद को खुद से वादा किया था, ठीक है? और अब मैं ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करूँगा, और मैं बेवकूफ़ी किया किया था, ठीक है? क्योंकि मेरे को तब हारमोनिक का ना मतलब पता था, लेकिन उतना नॉलेज नहीं था, ठीक है, कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? मेरे को हारमोनिक ने ऐसा लगाया ना खींच के, वो मेरा पूरा एकदम पूरा सब सही हो गया उसके बाद से, ठीक है? और उसके बाद से देखो, और फिर ये वाला जो है, ये वाला ख़त्म हो गया था, फ्यूचर जो है ना, ये वाला उधर डीके हो गया था, और मैंने फिर उधर से ही बाई कर लिया था, और तब से देखो प्रॉफिट में चल रहा है। ये मेरा पूरा जो है करेंसी का, मार्च जनवरी के मार्च से, और अभी फेब्रवरी चल रहा है, मार्च जब होगा पूरा मैं पूरा बता दूंगा कि कितना है। और मैं मंथली में करता हूँ, इसलिए देखो मेरा चार्जेस भी कम है। जैसे आप लोग इंटर डे करते हो ना, आप लोगों का चार्जेस बढ़ता रहता है, मेरा चार्जेस और टैक्सेस भी 3,000 के करीब ही है, ठीक है? ये मेरा ज़्यादा नहीं है, ये मैं पूरा साल भर का अभी तक जितना किया है करेंसी में ट्रेड उसका बोल रहा हूँ मैं। मैं हर हर रोज बाई सेल नहीं करता। क्या चीज़? जनवरी जनवरी मैं बोल दे रहा हूँ, जनवरी का, सॉरी सॉरी, मार्च, एक मिनट, 2023 का मार्च 1 मार्च से और अब तक का, ठीक है? एक साल, एक साल, हाँ, ये पूरा पूरा साल भर का है, ठीक है? और मैं गलती किया किया था, ये दिखा, हाँ मैं दिखा देता हूँ, गलती किया किया था। हाँ, पूरा पूरा साल का, ये ईडीसी भाई मत भेज देना, ठीक है? नहीं, सर बोल देते हैं, ठीक है सर, ठीक है? कि ये हुआ था मेरे साथ, ये वाला, ये देखो, ये यहाँ पर ये हुआ था, यही था ना, यही था, या फिर मार्च, ए वाला होगा, ए वाला। ये क्यों हुआ था मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये जो है ना, एक बैड पैटर्न है, एक बैड पैटर्न है, इधर से भी मार्केट गिरा था, और फिर जब यहाँ पर मैंने ना क्या किया था, मैंने दोनों ऊपर से भी ऑप्शन सेल किया था और पुट का भी सेल किया था, ठीक है? दोनों तरफ से सेलिंग किया था, और मेरे को ये मतलब तभी उतना आइडिया नहीं था कि पीआरजेड जोन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और फिर जब इस लेवल पे आया ना, तब एकदम
ये 2-3 दिन में ख़त्म हो गया मेरा, ठीक है, वो 12,500 का लॉस हो गया एकदम 2-3 दिन में। मैं तब उसको हैंडल नहीं कर पाया और बहुत ख़राब लगा था तब। तो फिर मैंने बैग में जाके देखा कि इधर ऐसा क्या हुआ था कि इधर से इतना तगड़ा सीलिंग आया। तो मैंने देखा कि इधर एक बैड पैटर्न बना हुआ था, ठीक है, और इधर से एक बार पीआर से घूम गया था, और ये जब फिर आया ना, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो इधर से फिर वो लोग ने इसको गिराया आरबीआई ने, ठीक है। तब मैंने समझा, अरे बाबा ये तो बहुत बढ़िया खेल है। फिर मैंने उसको पकड़ा भी, ये देखो ये वाला, ये एक बैट पैटर्न है, ये वाला एक बैट पैटर्न है। मैंने इसको सर सर को इसका मैंने चार्ट भी भेजा था, और मैंने पूरा इस जगह पे बाय किया था, इस जगह पे बाय किया था, और इधर पूरा टॉप पे सेल किया था। ये जो इसका होता है ना फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट, इधर पे मैंने सेल किया था। इधर मैंने मेरे को 15,000 मिला था, ठीक है। मैंने बोला मेरे को और नहीं चाहिए, और मैंने पूरा इधर बेच के निकल गया। तो ये वाला यूएसडी आइनर का सब लोगों को समझ में आ गया, मैंने तो सब बता दिया, ठीक है। और कोई किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो सेलिंग में जाएंगे अभी। सर अभी ये चार्ट हाँ जो देखना है वो वनडे में देखना है या 50 मिनट जैसा अपन निफ्टी बैंक निफ्टी में चेंज करते टाइम को? वो मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है। देखो आप क्या करोगे, आप इंटर डे करना है, पोजिशनल करना है, क्या करना है। अगर आपको पूरी मंथली करना है जैसे मैं करता हूँ, तो फिर आप एक डे वन डे का देखो। अगर आपको ये इंटर डे करना है तो आप 1 आवर का 2 आवर का देखो। इसमें तो ज़्यादा मूव नहीं होता है, तो हम लोग जैसे निफ्टी 50 को 1 आवर में देखते हैं ना, आप 2 आवर में इसको देखो, ठीक है। 2 आवर में भी देख सकते हो, लेकिन इसमें ये होता है, एक मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ऐसा ऐसा कुछ होता है। ये मतलब क्या हुआ ना, इधर ट्रेड नहीं हुआ इस टाइम, इसमें ट्रेड नहीं हुआ। एक दिन का जो कैंडल होता है ना, उसमें एक दिन का पूरा सेंटिमेंट होता है। एक उसको आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में समझ में नहीं आएगा, समझने में दिक्कत होगा। एक दिन का कैंडल, एक दिन का पूरा कैसा रहा उसका, मतलब डोजी बना है तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहा होगा, फिर मार्केट आके बीच में रुक गया, ठीक है। वो एक दिन का सेंटिमेंट है। तो एक दिन का कैंडल मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए। अब बहुत सारे लोग 2 आवर्स में भी करते हैं, उनके लिए अच्छा है। आपको क्या सूट करता है आप देखो, जो भी अच्छा लगे तो करना। 1 आवर में भी कर सकते हो, 15 मिनट में भी कर सकते हो, बहुत लोग 15 मिनट में भी करते हैं इंट्राडे वाले। वो 10 पैसे का मूव कैप्चर करते हैं, ठीक है। मेरे को नहीं पसंद है भाई, मैं फ्यूचर बाई करता हूँ। सपोर्ट पे आएगा तो फ्यूचर बाहर कर लेता हूँ, ऊपर से सेल कर देता हूँ, आराम से बैठा रहता हूँ, प्रीमियम डीके हो जाता है, खा लेता हूँ। अगर ऊपर गया तो और भी अच्छा है। ऊपर गया तो मतलब 83.5 को बेचा है ना, 83.5 पैसे को बेचा है, 83.25 पे आएगा तो मैं मेरे को फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, और जो ऑप्शन सेल किया है उसमें थोड़ा सा लॉस होगा, मैं बुक कर लूँगा। मेरे को तो प्रॉफिट ही चाहिए ना, थोड़ा सा कम प्रॉफिट मिलेगा तो क्या होगा, मैं प्रॉफिट में तो हूँ, लॉस में तो नहीं हूँ। और अगर मैंने जहाँ पे बाय किया है वहाँ से अगर नीचे जा रहा है, तो मैंने जो सेल करके रखा है वो मेरे को बचाएगा, उसका प्रीमियम तो ऐसे ही डीके हो रहा था। अगर फ्यूचर जहाँ पर बाई किया है वहाँ पर ही खड़ा है, तब भी उसका प्रीमियम डीके होगा। और अगर मेरा जो फ्यूचर बाई किया है वो अगर मेरे व्यू से नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो मैंने जो सेल कर रखा है वो मेरे को बचाएगा। यही तो हेजिंग का फायदा है, आप समझ रहे हो मैं जो बता रहा हूँ। ये देखो ये इधर पे बाई किया था ना, ठीक है। अगर मान लीजिए ऊपर चला गया तो ठीक है, अगर ऊपर नहीं गया था ये और गिरता, तो मैंने जो इधर से ऑप्शन सेल कर करके रखा है वो मेरे को बचा था, वो मेरे से थोड़ा सा सब मेरा लॉस थोड़ा सा कम करता। और मैंने क्या बोला, इधर आता तो मैंने उसको 50 लॉट में लिया था, मैं 100 लॉट और लेता, ठीक है। तो मेरा मेरा जो बाइंग प्राइस है वो एवरेज होता है। फिर मैं इसको इसको बेच देता इधर कहीं पर, ये थोड़ा 83.25 को बेच देता और 25 पैसे नीचे आके बेचता उसको, ठीक है। तो कितना नीचे गिरेगा, कहीं पे कहीं ना कहीं पे तो आरबीआई खरीदेगा उसको। तो आपके पास पैसा भी होना चाहिए, पूरा कैपिटल नहीं लगाना है, जितना है उसका 50% यूज़ करो, बाकी 50% रखो। अगर आपका जो आपने सोचा है वही हुआ तो प्रॉफिट ले लेना, अगर ट्रेड खराब हो रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए पैसा चाहिए ना, ठीक है।
यूएसजी आना कंप्लीट हुआ कि मतलब जितना भी जिसका सवाल था वो पूरा खत्म हुआ कि अभी भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है किसी का कुछ? नहीं तो ऑप्शन सेलिंग में फिर जाऊंगा, उसको भी समझाना है फिर। कोई बात नहीं तने भाई, डाउट अगर होगा भी ना तो बाद में भी इसको क्लियर कर लेंगे। एक ही दिन में सारी चीजें नहीं बताइए, मुझे ऑलरेडी आप एक घंटे से क्लास ले रहे हो। नहीं सही कह रहे हैं, हर सर सही कह रहे हैं तकमल भाई, बिकॉज़ क्या इसमें तो पोस्ट आई है, पहले एक हफ्ता लगे। हां अरे बोर है, डाउट भी अभी क्या पूछे, ये डाउट ही नहीं पता चल रहा कि क्या डाउट होगा, अभी करेंगे तब पता चलेगा, बिकॉज़ ये टोटली न्यू है। बहुत चीज तो आप बताए हैं, उस उसका रेसिपी जितना भी इंडियन ब्रोकर, जितना भी इंडियन ब्रोकर, लेकिन सबसे सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म अपस्टॉक्स का है, ठीक है? और अपस्टॉक्स का मैंने लिंक भी दे दूंगा, ठीक है? देखो सर ने जो अभी एक ग्रुप स्टार्ट किया है सिखाने के लिए, ठीक है? तो सर ने हमसे कभी भी पैसे वैसे कुछ नहीं मांगे, ठीक है? जितना भी प्राइस एक्शन है, हारमोनिक है, आप देख लेना बाहर कितना कितना चार्जेस है, मैंने खुद देखा है 15,000, 20,000, 25,000 बहुत पैसे मांगते हैं, ठीक है? सर ने कभी कुछ भी वैसा नहीं मांगा, सिर्फ एक रिक्वेस्ट किया है सबसे कि मेरा जो सर ने जो लिंक दिया है उससे कोई एक अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन कर लो, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है? अब मैंने सबको बोला है दो दो अकाउंट रखने के लिए, एक आपका जो आपका इन्वेस्टमेंट का होगा और एक ट्रेडिंग अकाउंट होगा, तो अपस्टॉक्स का वो एक अकाउंट आपका जिसके पास नहीं है एक ओपन कर लेना, ठीक है? मतलब जो एक ही अकाउंट है जिसके पास और एक ओपन कर लेना, ठीक है? और मैं उसका लिंक दे दूँगा, उसमें करेंसी बहुत अच्छा होता है, ठीक है? बास्केट मेरा क्या हुआ था, मैं अपस्टॉक्स का अकाउंट क्लोज कर दिया था, और जब भी मैं अपना पेन उधर मारने जाता हूँ ना अकाउंट ओपन करने के लिए, वो मेरे को ओपन करने नहीं देता। मैं बीच बीच में ट्राई करता रहता हूँ, मैं कोविड के बाद मैंने बंद कर दिया था वो अपस्टॉक्स का कुछ एंड। जब जब भी मैं पेन देता हूँ ना वो मेरे को, एंजल वन में ऐसा नहीं है, एंजल में वन में बंद किया था, उन्होंने बोला भाई अपना ईमेल आईडी चेंज करो, फ़ोन नंबर दूसरा दो, आपका ओपन हो जाएगा। लेकिन वो लोग ना ऐसे कैसे करते हैं मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मेरे को नहीं, मैं देख मैं देख रहा हूँ, मैं अपने वाइफ के अकाउंट से, नहीं तो मम्मी के अकाउंट से फिर मैं एक बना लूँगा। तो हाँ हाँ नहीं मैं देखो ये सर ने कभी भी, मैंने वो जो बोल रहा था, ठीक है, कि आपका जिनका भी नहीं है एक एक अकाउंट ओपन कर लो आप स्टॉक्स में, उधर कुछ ट्रेडिंग वेडिंग है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का है, जो भी आप सेकेंडरी करते हो ना उसमें करते रहो, ठीक है? तो सबके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? और ऐसे और एक बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है? ऑप्शन सेलिंग नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ और बता रहा हूँ, जो आप लोग बाइंग करते हो ऑप्शन, ठीक है, उसका बता रहा हूँ, एक मिनट रुको। बैंक निफ्टी, अभी आप लोग क्या करते हो, जैसे आप लोग ऑप्शन बाई करते हो ना, ये कहाँ पर है अभी 46,500 है, ठीक है? तो इन द मनी तो ये होगा आपका, क्या लेना है? अच्छा मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये देखो 46,500 है ना, तो आपका मान लीजिए व्यू है कि मार्केट गिरेगा, जैसे हम लोग मैंने अभी वो बैंक निफ्टी का लिया था, ठीक है? ये 46,500 है ना, मैं थोड़ा सा इन द मनी जाता हूँ, मैं 46,600 का ले लेता हूँ, एक सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? ये कोई ट्रेड नहीं है, ये समझाने के लिए। तो आपने 46,600 का पी लिया है, ठीक है? तो अगर ये यहाँ पर ही खड़ा रह गया या फिर ये आपका जो व्यू था उससे अगर गलत हो गया तो आपको कितने का लॉस है? जो आपने प्रीमियम पे किया है उतना, 10,000 का, 10,300 का, इतना समझ में आया सबको? जो आपका नॉर्मल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो जितना आपने प्रीमियम पे किया है वो ख़त्म हो गया, मतलब
इतना समझ में आया? फिर मैं हेजिंग का थोड़ा सा, हाँ, फिर मैं आगे बोल देता हूँ थोड़ा सा। ये सेलिंग के लिए नहीं है, ये बाइंग के लिए ही है। सेलिंग फिर बाद में सर बोल रहे हैं तो बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी देखो, ये लिया है ना आपने 46,600 लिया है, तो इसके 1,000 पॉइंट ऊपर, इसके 1,000 पॉइंट 46,600, 45,600, ठीक है। इसका 1,000 पॉइंट दूर ये हो गया, ये वाला। इसका प्राइस कितना है? 313 रुपये, ठीक है। इसको आप एक लॉट सेल कर दीजिए। इस स्ट्रेटजी का नाम है डेबिट स्प्रेड स्ट्रेटजी। आप लोग बास्केट में बना के देख लेना कितना मार्जिन लगता है, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, आपको 10,000 का लॉस था ना, अभी देखो मैक्स टू मैक्स कितना लॉस हो, देखो 5,600 का आपका 50% लॉस खत्म हो गया। जो लोग बाइंग करते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, आपका 50% बैंक, मैंने बोला ये देखो अभी अभी बैंक निफ्टी कहाँ पर है, 46,500 पे है। ये देख लो ना चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट देख लो, चार्ट में दिखा देता हूँ, रुकिए रुकिए, बैंक निफ्टी का चार्ट देख लो, 1 आवर पे कर देता हूँ जहाँ पर मैंने ट्रेड किया था। ये ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ और दिखा रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा समझने के लिए बोल देता हूँ, ठीक है। ये 46,500 दिखा रहा है, यहाँ पर 46,400 दिखा रहा है, ठीक है, मतलब 100 पॉइंट का। हाँ ठीक है, मैं वो समझाने के लिए बोल देता हूँ, ठीक है। आपने थोड़ा सा इन द मनी और लिया है, 46,600 लिया है, ठीक है, मतलब इन द मनी को बाय किया है, ठीक है। और आउट ऑफ द मनी, इससे 1,000 पॉइंट दूर, आउट ऑफ द मनी को 45,600, ये वाला, इसको 313 रुपये वाला सेल कर दिया है, ठीक है। एक लॉट बाई किया, एक लॉट सेल किया है, ठीक है। आपका कितना जा रहा है, एस्टिमेटेड मार्जिन कितना है? वो मैं वो तो ज़ीरोधा में देखना पड़ेगा, इतना तो कम नहीं होगा। इधर 14,000 दिखा रहा है, 20-25,000 होगा, 20-25,000 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। मैक्स टू मैक्स 30,000 होगा, वो इसके प्राइस के ऊपर होता है, 20 से 30,000 के बीच में होगा, इतना पकड़ लेना, ठीक है। मैं बना के भी दिखा दूंगा, ठीक है। ये आपका मार्जिन गया, ठीक है। आपका लॉस कितना कम हो गया, 50% लॉस कम हो गया। मैं एक्सट्रीम सिचुएशन बता रहा हूँ, आप समझ रहे हो, मतलब आपने बाई करके भूल गए, उस पोजीशन को स्क्वायर अप करना भूल गए, पूरा एकदम मंथ एक्सपायर हो गया, आपको 50% मतलब 10,000 जा रहा था, वहाँ पर अभी सिर्फ 5,000 जाएंगे, ठीक है। ये लॉस वाले साइड में बोला, प्रॉफिट वाले साइड में देखिए, ठीक है। अगर आपका व्यू सही हो गया, ये 1,000 पॉइंट ऊपर चला गया, ठीक है, आपको कितने का प्रॉफिट है, लगभग 9,300 का प्रॉफिट है। बोलिए बुरा है या मतलब अच्छा है या बुरा है? आपको अनलिमिटेड, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये पिछले दिन ही बात हो रहा था ओवरनाइट का, ठीक है। ये 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। आप लोग तो इंटरडे करते हैं, मतलब आपको अगर ओवरनाइट करना हो, अभी ये इतना नीचे आया है, ठीक है, हो सकता है कि ये यहाँ पर आ जाए, और हो सकता है कि नहीं आए, हो सकता है कि ये एक्स के ऊपर ओपन हो, बैंक निफ्टी एक्स के ऊपर ओपन हो, तो मेरा जो व्यू था वो तो मैं गलत हो गया, मेरा एसएल लग गया, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, तो मेरे को तो मैंने 10,000 का लिया था, वो 3-4,000 का रह गया मेरा गया, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, उसको हेज करते हैं, ये होता है हेज, ठीक है, कि मैंने एक आउट ऑफ द मनी का, आउट ऑफ द मनी का मैंने, ये जो मेरा टारगेट है ना, ये क्या होगा, ये पूरा जो हम लोग जो शार्ट पैटर्न ड्रॉ करते हैं, हमारा सी से डी का एक हम ये लगाते हैं, फिबोनाची लगाते हैं, और उसका 50% हमारा टारगेट होता है, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, तो एक 50% होता है ना, तो हमको अपना टारगेट को सेल करना है। अगर मेरे को टारगेट, मैं भगवान नहीं हूँ भाई, कोई भी भगवान नहीं है, ठीक है, हमारा जो व्यू है वो गलत हो सकता है, ठीक है, तो उस पोजीशन में हमने जो पोजीशन लिया है उसको हमको मैनेज करना होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने जो इधर, अगर ये इधर आ गया तो बढ़िया है, मैं 9,300 रुपये ले लूँगा, ठीक है। अगर मेरा व्यू गलत हो गया, ठीक है,
तो मेरे को मैक्स टू मैक्स कितने का लॉस कर सकता है? मेरे को अभी 10,000 का लॉस नहीं होगा जो मैंने प्रीमियम पे किया है, अभी मेरे को मैक्स टू मैक्स 5,000 का लॉस करवा पाएगा, उससे ज़्यादा मेरा एक पैसा लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये ऑफस्ट्रा वेबसाइट है, बहुत अच्छा वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाके देखना। ठीक है, अभी मैं इसका और एक दिखा देता हूँ। ठीक है, ये तो आपका 5,000 का हो गया ना, आपके पास मान लीजिए 1-2 लाख रुपया आपका ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा है और आपका व्यू गलत हो गया, आपका क्या हो गया, व्यू गलत हो गया। ठीक है, अभी देखिए जो सेल किया था ना 313 का, ये तभी 313 रुपये नहीं रहेगा। ठीक है, वो तो कुछ 200-250 का हो जाएगा, व्यू गलत हो गया मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कितने का लॉस हो गया देख लो भाई, इतने का तो आपका ये चला जाता है, वो क्या बोलते हैं, अरे बोलो ना, वो लेता है ना ब्रोकिंग, ब्रोकिंग चार्जेस, हाँ ब्रोकिंग चार्जेस। ये देखो कितने का लॉस है, कितने का लॉस है, आप दो आप खुद देख लो कितने का लॉस है, 1,000 का लॉस है। 10-10,000 का पोजीशन लिया, 1,000 का लॉस सह सकते हो ना, 1,000-2,000 का लॉस तो सह सकते हो। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ बोल दो। तो ये है हेजिंग का जादू, आप लोग ऑप्स्ट्रा का जो है वेबसाइट वहाँ पर जाके एक बार चेक करके देख लेना। ठीक है, ये इधर 81,000 दिखा रहा है। हाँ बोलिए, ऑप्स्ट्रा में जो बताते हैं वो रियल है, अपना पैसे का जो है एकदम 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 बस रही है, आप सेंसिबल है। एक और ठीक है, वो भी फ्री है, अगर आपके पास एंजल वन जीरोधा का अकाउंट हो तो वहाँ पर बास्केट में जाके पोजीशन बना के आप लोग देख लेना मैंने जो बोला है वो सच है या नहीं। ठीक है, आप समझ रहे हो, आपका सिर्फ 81,000 का एक पोजीशन है, वो भी आपसे मार्केट ले नहीं रहा है। ठीक है, और अगर मान लीजिए फिर ये एक बार मतलब आपका जो व्यू गलत हो गया फिर से इधर आ गया। ठीक है, फिर भी आपको देखो ये टॉप पे देखो कितने का, 13,000 का प्रॉफिट है टॉप पे, उतना नहीं हुआ मान छोड़ दो, आपको तो आप तो लॉस में जा रहे थे ना, 5-6,000 का प्रॉफिट में लेके निकल जाना। फिर अगर वो नीचे ही जा रहा है, ठीक, आपका व्यू था नीचे जाएगा, नीचे ना जाके ऊपर चला गया। ठीक है, आपको तो लॉस था, मतलब 10,000 का पहले लॉस था, वो कम हो गया 5,000 का हो गया, क्यों, क्योंकि आपने एक लॉट उधर से सेल किया था। ठीक है, और फिर आप देख रहे हो कि अरे और वो फिर से ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, मेरे को तो 5,000 का लॉस है, मेरे को इतना लॉस नहीं लेना है, मैंने बोला एक और लॉट सेल कर दो। ठीक है, अभी आपका लॉस कितना हो गया, 1,000 का हो गया, 1,000-2,000 से ज़्यादा नहीं होगा, और फिर वो ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है, क्या हो रहा है, फिर ऊपर आके फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, ये जो सेलिंग किया है, ठीक है, ये तो डीके होता रहेगा, इसका काम कि ऑप्शन आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शन है उसका काम ही है डीके हो जाना, खत्म हो जाना, डीके होकर खत्म हो जाना, सिर्फ जो इन द मनी रहता है वो उसका ही प्रीमियम रहता है। ठीक है, वो एक बार ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है तो आपका प्रॉफिट है, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल सकते हो निकल लो, अगर बहुत ज़्यादा डर है, अगर होल्ड कर सकते हो तो 4-5,000 लेके निकल जाओ। स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना बहुत आसान है, लेकिन जिसके पास एक तो बड़ा पैसा चाहिए और एक बड़ा जिगर चाहिए। ठीक है, अगर आप बहुत डरते हो तो भाई ये मार्केट आपके लिए नहीं है, आपको चूस के छोड़ देगा, आपका जितना कैपिटल है उसको चूस कर आपको छोड़ देगा। ठीक है, आप फिर जाके वो FD करोगे, लेकिन थोड़ा सा वो आपको दिमाग लगाइए, मैंने जो दिखाया है अभी इसको थोड़ा सा फॉलो कीजिए, आपको लॉस बहुत कम, जब लॉस होगा बहुत कम होगा, जब प्रॉफिट होगा बहुत तगड़ा प्रॉफिट होगा। मैं आपको अभी आपका मैं आपको ये दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने जो अभी तक ना ये किया है, अभी तो करेंसी का प्रॉफिट दिखाया ना, अब मैंने ऑप्शन में कितना लॉस किया दिखाता हूँ, रुको कंसोल ओपन है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन, और ठीक है वो टाइम में छोड़ दो। अरे प्रॉफिट में आ गया, ये कितने का दिखा रहे हैं, ये नहीं 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 गलत है गलत है गलत है, ये मैजिक हो गया सर ऐसा लग रहा है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, मैंने करेंसी जब स्टार्ट किया था ना उससे पहले मैं वो इंडेक्स में करता था, इसीलिए गलत दिखा रहा है। ये देखो मैंने इतना लॉस किया था, ये तो अभी तो वो बैंक निफ्टी के वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा रहा है। ये देखो ये सब मैं टिप्स पे करता था तब, ये देखो मेरा सब ये लॉस है, और मैं ये बीच बीच में खोल के देखता था, जब मेरे को ऑप्शन करने का बहुत मन होता था ना तो मैं इसको खोल के देखता था, क्योंकि ऑप्शन मतलब ये ना एक नशे की तरह है ऑप्शन। ठीक है,
और मेरे को बीच बीच में सब देखता था ना, वे प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देखता था, तो मेरा बहुत मन करता था कि ऑप्शन बाई करूँ, ठीक है। फिर मैं इसको ओपन करके देखता था कि मेरे को इतना इतना लॉस हुआ है, ठीक है, और फिर मेरा मन बदल जाता था। तो मैंने ये देखो, ये इतना इतना लॉस किया है, और भी है, ये वाला टाटा पावर में इतना लॉस किया था 7,500 का, ठीक है। तो वही वही बोल रहा हूँ, तब मेरे को पता नहीं था कि हेज कैसे करना है, ऐसे ऑप्शन बाई करके चला जाता था, ठीक है। फिर अगले दिन अगर इधर गैप अप और गैप डाउन, फिर कैपिटल पूरा खत्म, फिर अब क्या करूँ पता नहीं, ठीक है। फिर मैंने सीखा ऑप्शन के, फिर मैंने ऑप्शन के बारे में सीखा, फिर ऑप्शन के बारे में सीखते के मेरे को फ्यूचर के बारे में पता चला, फिर पता चला कि फ्यूचर पहले आया था उसके बाद ऑप्शन आया था, ऑप्शन का काम ही है फ्यूचर को हेज करना, ठीक है। अभी जो मैंने चीज़ दिखाया आपको कि वो आपने पी बाय किया था और फार पी को सेल किया था, वो आप फ्यूचर में भी कर सकते हो। आप स्पॉट में फ्यूचर बाई करो, ठीक है, अगर ऊपर मतलब आपका व्यू है ऊपर जाएगा तो फ्यूचर को बाई करो, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर का आप सी सेल कर दो, नीचे का भी सही, अगर फ्यूचर सेल कर रहे हो तो थोड़ा सा नीचे का पी आप सेल कर दो, वो भी आपका हेज ही रहेगा, ठीक है। मतलब आपका जहाँ पर 5-10 हज़ार का लॉस था, उधर 5,000 का सिर्फ लॉस होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा कैपिटल चाहिए, मतलब आपको अकाउंट में 2-2.5 लाख कम से कम होना चाहिए, ठीक है, तब भी आप एक लॉट से फ्यूचर कर सकते हो, नहीं तो फिर उसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट है अनलिमिटेड लॉस है, आप फिर फंस जाओगे उसमें। तो मेरा सजेशन यही है कि अभी जो मैंने ऑप्शन जिस तरीके से दिखाया है, आप इस तरीके से करो, ठीक है। धीरे 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 रिस्क जो होता है ना, वो प्रॉफिट में लिया जाता है, आपका खुद का कैपिटल से रिस्क लेने में ना ऐसा दिल एक बार सोचेगा, अरे अपने कैपिटल से रिस्क ले रहा हूँ, कहीं 10,000 चला गया तो, और वही अगर आपका 10,000 प्रॉफिट से आप रिस्क ले रहे हो तो आपको कोई डर नहीं लगेगा, वो मार्केट का पैसा है, मार्केट में चला गया तो गया, ठीक है। मैं भी ऐसा ही करता हूँ करेंसी में, इस मंथ का जितना डीके हो गया ना, फिर अगले मंथ का फिर मैं 100 लॉट सेल कर देता हूँ, और इस मंथ का जितना प्रॉफिट है उसको दाव पे लगा देता हूँ, मैं जा लेके जाएगा जाए जा मेरे को फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाएगा। थोड़ा सा दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुको। ये जैसे पोजीशन हुए हो ना, अभी मेरे को 11,750 का प्रॉफिट है ना, अभी 2-3 दिन बाद ना मैं फिर से उधर अगले महीने का 100 लॉट सेल कर दूंगा, और इसको मैं रिस्क पे डाल दूंगा, ठीक है। ये फिर मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा, अगले महीने का खाना है, ये तो खा लिया है प्रीमियम, ठीक है। अगर एक ये मतलब इसका प्रॉफिट अगर ख़त्म होगा, मतलब ये अगर 5,000-7,000 ऐसे काम होता रहेगा ना, तो मतलब फ्यूचर मेरा ऊपर जा रहा है, यूएसडी आईएनआर ऊपर जा रहा है, तभी तो घटेगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर मैं ये फ्यूचर में से खा लूँगा इसको, फ्यूचर में मेरे को प्रॉफिट आ जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो आप लोग? अभी क्या हुआ, अभी वही तो सर बोल रहा हूँ। हाँ, सर एक एक हाँ, वही बोल रहा हूँ सर। सर एक बात बोल देता हूँ, ठीक है। हम लोग मार्केट में आए हैं, हम लोगों को सबसे ज्यादा डर किस चीज़ का है कि लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर लॉस ही ना हुआ तो मैं 10 ट्रेड में, वही बोल रहा हूँ, 10 ट्रेड में मेरा थोड़ा थोड़ा लॉस हुआ, ठीक है, 500-1,000 का लॉस हुआ, ठीक है, और एक ट्रेड में बढ़िया प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो फिर मैं तो प्रॉफिट में ही हूँ ना, मेरे को तो अपना लॉस ही तो कम करना है। वही तो मेरा डर है कि मेरे को अगर बड़ा लॉस हो गया तो मैं फंस जाऊंगा, तो अगर वही मेरे को अगर वही मतलब उसको अगर मैं किसी तरह से कंट्रोल कर लूँ तो फिर तो मैं प्रॉफिटेबल बन ही जाऊंगा। मैं मान लेता हूँ मैं 10 ट्रेड आप कर रहे हो, 5 बार आपका व्यू खराब हो गया, ठीक है, 5 बार आपने गलत हो गया, ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा कम लॉस में निकल गए, और आप 5 बार आप जीत गए, 5 बार आपका व्यू सही हुआ, ठीक है, तो वो भी भाई आप प्रॉफिट ही हो। लेकिन मेरा ऑफिस है भाई, मैं ये हर दिन नहीं कर सकता, मेरा बात समझो, ठीक है। ये जैसे आर्ट सर करते हैं ना, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता भाई, ठीक है, वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक पिछले दिन वो बैंक निफ्टी निफ्टी का देखा ना, पूरा सारा दिन का ऑफिस का काम चौपट हो गया, ठीक है। वो फिर मैंने जब मार्केट बंद हुआ तब मैं काम पे कॉन्सेंट्रेट कर पाया, और पूरा काम 5 बजे के बाद मतलब अंदर ख़त्म किया,
समझ रहे हो, उधर से मतलब जो बॉस है वो तो नहीं छोड़ेगा, वो बोला कि अरे काम तो करो ठीक है, जॉब आप करना है करो, काम मेरा कर दो ठीक है, वो हो जाता है। तो अपना जो, और बैंक निफ्टी और निफ्टी में ये होता है ना कि उसको देखना रहता है ठीक है, क्योंकि वो कब भाग जाए और कब गिर जाए वो किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता होता ठीक। आप सोचोगे कि यूएसडी यूएसडी आईएनआर, मैं बोल देता हूँ अगले 1 महीने तक वो ऊपर नहीं जाएगा, वो एक ही 84 नहीं जाएगा, मैक्स टू मैक्स उसका 83.5 पे जाएगा और आरबीआई उसको तगड़ा गिराएगा ठीक है, वो मेरे को पता है। लेकिन मैं बैंक निफ्टी निफ्टी में ऐसा नहीं बोल सकता ठीक है, वो मेरे को कब पता नहीं, कब 1000 पॉइंट्स का गैप अप मर दे, कब गिर जाए वो मेरे को आइडिया ही नहीं आता, इसलिए मैं उसको देखता रहता हूँ ठीक है। और वो है उसका वोलेटिलिटी के लिए डर भी लगता है ठीक है, लेकिन यूएसडीएनआर का वैसा नहीं है। यूएसडीएनआर मैं अभी भी बोलता हूँ कि अगर सपोर्ट पे आए कोई, अगर करना चाहता है डर आपको पहले कभी नहीं किया है, 5 लॉट में करो ठीक है, 5 लॉट बाई करो, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा, 10-20 लॉट में ठीक है, क्योंकि वो जब 10 लॉट में करोगे ना 10 पैसा ऊपर जाएगा, तब आपको 1000 का प्रॉफिट होगा फ्यूचर में, और जो सेल कर रहे हो वो तो गली जाएगा, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा ठीक है। अगर सेम लॉट में 10 लॉट फ्यूचर बाई किया है और 10 लॉट ऊपर से सेल किया है फिर, और फ्यूचर ऊपर जा रहा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो। क्योंकि अगर वो, दिखा देता हूँ 1 मिनट, बास्केट किधर गया रे, ऑर्डर बास्केट यूएसडीएनआर का ही बनाया था ना, 1 मिनट, ये देखो मैंने ये बाई किया है ना, और ये 100 लॉट किया था ना, मैं उसको 50 कर देता हूँ रुको, और उसके बाद दिखाता हूँ, ये मैंने 50 बाई और 50 सेल है ना, अभी देखो क्या होगा। अगर ये ऊपर जा रहा है ना तो आप इसको छोड़ दो, ये तब भी आप मैक्स प्रॉफिट में ही रहोगे। ये देखो आपको 21,700, ये कितना भी जाए उसको छोड़ दो, वो 100 पे चला जाए आपको कोई डर नहीं, आपको 21,750 रुपये मिल जाएंगे। इसलिए बोल रहा था कि अगर आप कम रिस्की प्लेयर हो, क्योंकि वो रिस्क सब लोगों का अलग अलग होता है, अगर कम रिस्क वाले हो 10 लॉट बाई किया है 10 लॉट सेल कर देना ठीक है, उसमें आपको जितना भी है 2,000 3,000 4,000 वो आपका ऑप्शन प्रीमियम डीके हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर यूएसडीएनआर ऊपर भाग गया, ब्लास्ट हो गया, उसको कोई लेके गया ऊपर ठीक है, तो भी आपको कोई डर नहीं है, वो जितना आपका सेलिंग जहाँ पर किया है और बाइंग जहाँ पर किया है उसका जो डिस्टेंस है ना, उस उतना पैसा आपको मिल जाएगा, वो आपका पैसा कोई नहीं ले सकता ठीक है। तो जिनके पास बड़ा पैसा है वो लोग क्या करते हैं, फ्यूचर बाई करते हैं, सेम लॉट में सेल करते हैं ठीक है। और हम लोग जैसे रिस्की प्लेयर है, हमको पता है कि ऊपर नहीं आएगा, आरबीआई उसको उधर से सेल कर देगा, तो हम लोग डबल में ट्रिपल में करते हैं, वो जितना जिसका रिस्क एपेटाइट होता है वो ऐसा करता है। लेकिन वो ऊपर जाएगा तो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होगा और जो सेलिंग किया है उसमें लॉस होगा, उतना समझ लेना ठीक है। तो पहले पहले सेम लॉट में करो, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आएगा ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, तब डबल लॉट करना, फिर ट्रिपल लॉट करना, फिर तो आपका जितना वो मतलब, फिर तो आप लोग मतलब वो बन जाओगे ना ठीक है। तो इतना ही था, सब समझ गए आशा करता हूँ, और बोलो किसी को अगर कुछ है फाइनली तो फिर वो भी सुन लेता हूँ, कुछ है किसी का कुछ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तने भाई कि आपने अपना इतना कीमती समय दिया सब लोगों के लिए। नहीं इतना क्वेरी आ रहा था क्या करूँ, यूएसडी आइनर का ठीक है, क्लास लो बताओ बताओ पूरा बता दिया जितना था ठीक है, यूएसडी आइनर का पूरा बता दिया। अभी ऑप्शन सेलिंग का बहुत सारा स्ट्रेटेजी है, कैलेंडर है, कैलेंडर भी बता दूंगा, मंथली कैलेंडर ठीक है, ये देखो मंथली कैलेंडर इधर टेस्ट कर रहा हूँ सर, आपको भी दिखा देता हूँ, 6 लाख है अगर किसी के पास, 3 लाख का पोजीशन बनाओ, 3 लाख ये करो ठीक है, ये थे फिर अगले क्लास में बताऊंगा, अभी तो 10-13 हो गया, आज नहीं बताऊंगा। ये कुछ ऐसा होता है ठीक है, निफ्टी जहाँ पर है एकदम सिंपल बता देता हूँ, मंथ के पहले निफ्टी जहाँ पर है 1000 1000 आगे पीछे बेच दो, और अगले मतलब अगले करंट महीने का बेच दो और अगले महीने का खरीद लो, वो बोलते हैं कैलेंडर, और बीच में प्रॉफिट होगा। ये देखिए सर 3 लाख का पोजीशन है, 3 लाख का पोजीशन है, 3 लाख का पोजीशन में मैक्स प्रॉफिट आपका कितना है, मैक्स प्रॉफिट तो 56,000 है, लेकिन आपका कितना अभी, ये अगर बीच में भी खत्म होगा 26,000 देखे जाएगा। इसको बोलते हैं रिस्क फ्री पैसा कमाना, मार्केट में पैसा कमाने का 1000 तरीका है, आपको सिर्फ मतलब वो जानना चाहिए कि आप कर क्या सकते हो,
और एक बार मतलब कोई भी एक स्ट्रेटजी पकड़ लो जिससे आप प्रॉफिटेबल मतलब आपको 10 में से 5 बार मिलता है और उसके ऊपर आप वर्क करो, ठीक है, वही चीज़ करो और कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा बनता जाएगा। मैंने USDINR को पकड़ लिया है, अब तो इसको सारा ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, जब तक USDINR है उसको ट्रेड उसको ही ट्रेड करता रहूँगा, ठीक है। ऐसा अगर आपको कोई अगर स्क्रिप्ट मिल जाए तो उसको ही करते रहो, ठीक है। और एक कोई वो आए थे सुमित जी करके आए थे, 7 लाख का लॉस किया है निफ्टी बैंक निफ्टी में, मैंने उनको भी बोला कि भाई आप करेंसी करो, ठीक है, लेकिन अगर देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका जो है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड वो जो है ना वो अगर नहीं पता किसी को, ठीक है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है फिर ये चीज़ समझाना। क्योंकि मैं बोलूंगा कि अगर सपोर्ट पे भाई कि ना, अगर एक आदमी उस दिन ग्रुप में पूछ रहा था भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो दो, मतलब उनको बेसिक नहीं पता है, आप समझ रहे हो, फिर उनको एक्सप्लेन करना ना वो कैंडल स्टिक भी समझ नहीं पाएंगे कि उधर एक हैमर बना है उधर एक शूटिंग स्टार बना है, वो समझ नहीं पाएंगे, वो समझाना बहुत मुश्किल है। अब बेसिक अगर आप हाँ ठीक है। बट इसको ऐसा नॉर्मल वे में नहीं करेंगे और ऐसा नहीं है कि किसी को भी हम लोग उसमें ऐड करेंगे, उसमें थोड़ा सा हम लोग करेंगे उसको उस प्लानिंग, तो उस बेसिस पे हम लोग करते हैं। तो सर तो सर उसको लिए वो एक करिए ना कि आपका जो अकाउंट का लिंक दिया है ना, तो जो लोग भी उसमें से अकाउंट ओपन करेंगे ना, ठीक है, फिर हम लोग उनको ही ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो मैं साफ साफ ही बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि सब लोगों को तो इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है, आप तो देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग तो मतलब रिस्पॉन्स भी नहीं करते हैं ग्रुप में, ठीक है, तो एक आप वो ही करिए फिर वो वाला, ठीक है, आप एक वो लिंक दे दे रहे हैं, जो भी उनमें से अकाउंट ओपन करेंगे उनको ऐड कर लेंगे उनमें, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ एडवांस है, ठीक है, वो बेकार में ये करके फ़ायदा नहीं है, वो तो मैं वैसे ही बोल देता हूँ, ठीक है, ऐसे क्लास में लेके फिर हाँ 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 वैसे फ्री फालतू में टाइम पास के लिए आदमी को 10 लोग होंगे, लेकिन 10 वैसे होंगे जो प्रॉपर ट्रेडर हो, हाँ प्रॉपर वो इसको एग्जीक्यूट करेंगे और प्रॉपर उस पे ट्रेड में एंट्री करेंगे, वैसे लोगों को हम लोग वहाँ पे ऐड करेंगे। अब वो 5 क्यों ना हो 2 क्यों ना हो, जैसे स्टार्टिंग में बैच लेता था 5 लोग रहते थे, लेकिन वहाँ पे वो 5 लोग वैसे होते थे जो एक्चुअल में सीखने वाले होते थे, अभी 50 लोग भी क्लास हमारे, तो उसमें से वैसे हुए जो सीखना चाहते हैं, 20-25 लोग तो ऐसे हैं कि वो आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, तो हाँ हाँ और चार्ज तो है ही नहीं, हाँ चार्ज तो है नहीं, सिर्फ तो इतना ही रिक्वेस्ट है सबसे, मैंने बोला कि अकाउंट ओपन कर लो, हाँ 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 ठीक है सर, जी जी क्वेश्चन क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछिए, किसका क्वेश्चन है बोलिए। ठीक है सर, खत्म करते हैं फिर आज, और तो कोई किसी का क्वेश्चन है ही नहीं शायद। थोड़ा सर ऑप्शन सेविंग वाला और हेजिंग वाला ना, क्योंकि ये हम लोग के लिए न्यू टॉपिक्स है, मतलब
ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट। अरे बाप।